गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन, जो कि पैथोलॉजी के, एंटोमोलॉजी के और निमेटोलॉजी के हैं। तो ये क्वेश्चन लगभग हर बार बहुत से कई से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को समझना, इनके अंदर जो ऑप्शन दिए होंगे उन ऑप्शंस के अंदर भी मैं आपको जाके बताऊंगा कि हर चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट कैरी करती है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ माइकोलॉजी, या फिर हम कह सकते हैं माइकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, माइकोलॉजी क्या होती है? तो माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंगस। ओके, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पी ए मिचेली, दूसरा है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, तीसरा है टिल्लेट और चौथा है प्रीवोस्ट। तो इसका जो आंसर है वो है पी ए मिचेली। सो आप एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं, माइकोलॉजी एम से स्टार्ट होता है और आपका मिचेली भी एम से स्टार्ट होता है। लेकिन सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, तो इन चारों की कोई ना कोई डिस्कवरी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। तो इसको अपने हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, बहुत ही फेमस नाम है साइंस फील्ड के अंदर, क्योंकि इनका जो इन्वेंशन है, दुनिया का सबसे बढ़िया इन्वेंशन है, इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप, या जिसको आप सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट के आविष्कारक हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जो कि इन्होंने 1675 सन या 1675 के अंदर बनाया था। हमारा जो दूसरा ऑप्शन था पी ए मिचेली, जैसा कि मैंने आपको बताया पी ए मिचेली को फादर ऑफ माइकोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले फंगस के बारे में स्टडी की और इन्होंने बोला कि जो फंगस होते हैं वो स्पोर से पैदा होते हैं। इसी के साथ ही पी ए मिचेली ने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम क्या है? नोवा प्लांटेरम जेनेरा। सो फ्रेंड्स, आपको ये रिमेंबर रखना है, आपको याद रखना है कि जो पी ए मिचेली ने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है? नोवा प्लांटेरम जेनेरा। तीसरा और चौथा ऑप्शन जो कि टिल्लेट और प्रीवोस्ट, ये दोनों एक ही डिसीज रिलेटेड है, इसलिए कंफ्यूजिंग है। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि दोनों ने क्या किया। जो टिल्लेट साहब हैं, टिल्लेट जी ने क्या बताया कि जो वीट के अंदर एक डिसीज होती है, वीट जिसको अपने गेहूँ बोलते हैं, उस डिसीज का नाम होता है बंट या फिर स्टिंकिंग स्मट। स्टिंकिंग स्मट का मतलब क्या होता है? इसके अंदर एक बहुत गंदी बदबू आती है। तो ये जो बंट और स्टिंकिंग स्मट ऑफ वीट की डिसीज होती है, इसके बारे में सबसे पहले टिल्लेट ने ही पेपर पब्लिश किया और वर्ल्ड को बताया कि बंट और स्टिंकिंग स्मट ऑफ वीट एक डिसीज़ है, किसकी? गेहूं की। लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि ये डिसीज़ कौन करता है, फंगस करता है या बैक्टीरिया करता है या वायरस करता है या वायरॉइड करता है या फाइटोप्लाज्मा करता है या निमेटोड करते हैं या कोई भी अदर इंसेक्ट और पैथोजन करता है। तो इस चीज़ के बारे में टिल्लेट नहीं बता सका था, तो इसको बताने वाला कौन था? आई बी प्रीवोस्ट। तो आई बी प्रीवोस्ट ने सबसे पहले यही बताया कि जो वीट के अंदर स्टिंकिंग स्मट या फिर बंट डिसीज़ है, ये कौन करता है? ये फंगस करता है। तो ये दोनों डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले 1755 के अंदर टिल्लेट ने बताया कि स्टिंकिंग स्मट ऑफ वीट वीट की डिसीज़ है और इसके अंदर बदबूदार स्मेल होती है, एक गंदी स्मेल। लेकिन प्रीवोस्ट ने बताया कि ये डिसीज़ एक फंगल डिसीज़ है, जो कि लगभग उसके 50-60 साल बाद 1807 सन के अंदर बताया गया। तो जो जिस स्टिंकिंग स्मट की हम बात कर रहे हैं, इसको वीट का कॉमन बंट भी बोलते हैं या फिर स्टिंकिंग स्मट बोलते हैं, जैसा कि पहले बताया। अगर आपको पेपर में पूछा जाए तो इसका पैथोजन या फिर रोग कारक कौन है, कौन सी फंगस ये स्टिंकिंग स्मट डिसीज़ करती है, तो उसका आंसर क्या है? टिलेशिया ट्रिटीसी। इससे रिलेटेड एक नाम और आगे आएगा, तो उसका अलग से प्रश्न मैंने आगे की स्लाइड में दिया हुआ है। इस डिसीज़ के अंदर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, वो क्या है कि जब अपने बात कर रहे हैं, इसको स्टिंकिंग स्मट बोलते हैं, मतलब ये जो गेहूं के काले दाने हैं, ये मछली जैसी गंध, या जिसको बोलते हैं फिशी ओडोर, ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो गंध होती है या स्मेल होती है, ये किस कंपाउंड के कारण होती है? तो उसका आंसर क्या है? ट्राई मैथिल एमीन। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न के अंदर आपके पास चार और इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रश्न के अंदर आपको चारों के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। चलिए अगले सवाल पर।
जो अगला सवाल है, न जाने हर एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होता है, बार बार होता है, और क्यों होता है? क्योंकि एक बहुत ही फेमस इन्वेंशन है और बहुत ही फेमस डिसीज है जिसके कारण इनका काल आ गया था। तो ये प्रश्न क्या है? आयरिश पोटैटो फेमाइन इज ड्यू टू विच पैथोजन? तो आयरिश मतलब आयरलैंड, आयरलैंड एक देश है, उसके अंदर एक बार आलू के अंदर पूरी की पूरी फसल में बर्बादी हो गई थी, अकाल पड़ गया था। तो इसका जो रोग कारक है, इस प्रश्न में ये कई बार पूछा जाता है या फिर पेपर में आता है कि आयरिश पोटैटो फेमाइन किस साल के अंतर्गत आई थी, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ आपके पास चार ऑप्शन है, प्लाज्मोपोरा विटिकोला, फाइटोफथोरा इन्फेस्टन्स, अल्टरनेरिया सोलानी एंड सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। तो ये चारों के चारों ऑप्शन बहुत ही फेमस हैं, इनसे रिलेटेड डिसीज़ पेपर में कई बार पूछी जाती है और बहुत बार गलत होता है क्योंकि कन्फ्यूज़न होती है। तो अपने पास जो आयरिश पोटैटो फेमाइन है उसका रोग कारक कौन है? फाइटोफथेरा इन्फेस्टन्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट। दूसरा प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, वो है आयरिश पोटैटो फेमाइन किस साल के अंतर्गत आई थी? तो कौन से सन में आई थी ये? 1845। इसको तो रट लें या याद रख लें क्योंकि ये कई बार आएगा पेपर में आपके। जब अपने बात करते हैं कि फंगस का नाम फाइटोफ्थेरा इन्फेस्टन्स है, पर अगर अपने डिसीज़ की बात करें तो कौन सी डिसीज़ ये करता है? तो ये करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज़, जो कि एक ऊ माइकोटा, जैसे फंगस के अंदर बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, ऊ माइकोटा, जाइगो माइकोटा, बेसिडियो माइकोटा, एस्को माइकोटा, तो ये जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का फंगस है ये ऊ माइकोटा ऑर्डर से बिलोंग करता है। तो ये एक प्रश्न में तीन इन्फॉर्मेशन है आपके पास, आयरिश फेमाइन ऑफ पोटैटो कब आई? 1845 में। इसकी पैथोजन कौन था? फंगस था। कौन सा फंगस? फाइटोफ्थेरा इन्फेस्टन्स, जो किस से बिलोंग करता है? ऊ माइकोटा ऑर्डर से बिलोंग करता है। अब इसी के साथ ही जो एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पेपर में आता है और लोग गलत आंसर कर देते हैं क्योंकि आपको दोनों ऑप्शन में मिलते हैं। देखो, पोटैटो में एक डिसीज होती है लेट ब्लाइट और दूसरी डिसीज होती है अर्ली ब्लाइट। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अर्ली ब्लाइट, सिर्फ ब्लाइट पढ़ के फाइटोफ्थेरा का आंसर कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर आपसे पूछा जाएगा अर्ली ब्लाइट या फिर कॉमनली नोन एज पोटैटो ब्लाइट ओनली, तो पोटैटो ब्लाइट किसका नाम है? अर्ली ब्लाइट का नाम है। तो अर्ली ब्लाइट डिसीज़ कौन करता है? इसका आंसर है आपके पास अल्टरनेरिया सोलानी। जो तीसरा पैथोजन आपके पास है, वार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो, तो एक ऑप्शन में मैंने आपको दिया था सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। तो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम पोटैटो में वार्ट डिसीज करता है। वार्ट डिसीज का मतलब क्या होता है? पोटैटो के ट्यूबर के ऊपर ऐसे छाले की तरह स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, तो इसको बोलते हैं वार्ट डिसीज़। एक ऑप्शन मैंने आपको और दिया था प्लाज्मोपोरा विटिकोला, वो भी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। प्लाज्मोपोरा विटिकोला आपका जो ग्रेप होते हैं अंगूर, उनके अंदर डाउनी मिल्ड्यू डिसीज़ करता है, जो कि आपके आगे आने वाली स्लाइड्स में आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस स्लाइड से ये तीन इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, आयरिश फेमाइन कौन करता है, किस सन में आई, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट में क्या फ़र्क है और दोनों के रोग कारक में क्या फ़र्क है। जो आपका तीसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो क्या है? डाउनी मिल्ड्यू डिसीज ऑफ ग्रेप वाइन, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, कौन करता है? क्योंकि ये पैथोजन यूरोप के अंदर अंगूर की बेलों के अंदर डाउनी मिल्ड्यू रोग के लिए जिम्मेदार था, जिससे सारा का सारा इंडस्ट्री ख़राब हो गया ग्रेप्स का एक टाइम में। और इसी डिसीज़ के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी एसोसिएटेड है, जिसको अपने बोलते हैं बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी। तो बोर्डेक्स मिक्सचर के बारे में अगली स्लाइड में प्रश्न आएगा, उससे पहले अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन डिसीज़, जिसने यूरोप के अंदर सारी की सारी अंगूर की इंडस्ट्री को ख़राब कर दिया, उसका रोग कारक या पैथोजन कौन है? तो आपके पास ऑप्शन है पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सोर्गी, प्लाज्मोपोरा विटिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला एंड पेरेनोस्पोरा स्पार्सा। तो ये सारे के सारे पैथोजन आपकी कौन सी डिसीज करते हैं? डाउनी मिल्ड्यू, बट इनके सब के होस्ट अलग हैं। तो यहाँ जो पूछा गया है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन कौन करता है, उसका आंसर है प्लाज्मोपोरा विटिकोला। तो बाकी क्या करते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज थी। ये डिसीज अमेरिका से यूरोप गई, तो सबसे पहले ये अमेरिका में थी और वहाँ से ये यूरोप ट्रांसफ़र हुई।
तो जैसे यूरोप के अंदर ये डिसीज़ फैली तो उसने पूरी की पूरी वाइन इंडस्ट्री को ख़राब कर दिया। तो इसका आंसर क्या है? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन कौन सा फंगस करता है? इसका आंसर है प्लाज्मोपोरा विटिकोला। मस्ट रिमेंबर, सो विटिकोला, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आपको पता है ग्रेप वाइन, अंगूर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा, तो ये वाइटिस विनिफेरा के नाम से ही विटिकोला वर्ड आया है। तो इस तरह आप कुछ ट्रिक्स बना सकते हो याद रखने के लिए जो आपको इजी लगे। तो जो बाकी फंगस हैं वो क्या करते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं पर्ल मिलेट, या जिसको अपने कॉमन भाषा में बाजरा कहते हैं। तो पर्ल मिलेट के अंदर डाउनी मिल्ड्यू कौन करता है? वो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामनी कोला। ग्रामनी कोला मतलब ग्रामनी फैमिली के अंदर आपका बाजरा आता है, तो उसके अंदर डिसीज़ कौन करता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामनी कोला। तो फ्रेंड एक चीज़ यहाँ पे आप रिमेंबर रखना, बाजरा के लिए जनरली दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो कि डाउनी मिल्ड्यू बाजरा में कौन करता है, दूसरा ग्रीन ईयर सिम्टम बाजरा के अंदर कौन सा पैथोजन प्रोड्यूस करता है। तो ग्रीन ईयर क्या होता है? जब जो बाजरा के ऊपर वाले कोब होते हैं, हेड होते हैं, वो पत्ती जैसी संरचना में कन्वर्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं ग्रीन ईयर। तो आप हमेशा याद रखना ग्रीन ईयर जो सिम्टम होता है बाजरा में, वो डाउनी मिल्ड्यू के साथ जुड़ा हुआ है। पेपर में कन्फ्यूज़न होगी क्योंकि वहाँ पे पाउडरी मिल्ड्यू लिखा होगा, डाउनी मिल्ड्यू लिखा होगा, ब्लाइट लिखा होगा, रस्ट लिखा होगा। तो आपको याद रखना ये डाउनी मिल्ड्यू का सिम्टम है। क्या है? ग्रीन ईयर सिम्टम। उसके बाद जो तीसरा पैथोजन है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ सोरगम, जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ सोरगम है वो करता है आपका पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सोरगी। तो फ्रेंड्स कन्फ्यूज़ मत होना, बाजरा का अलग है, सोरगम जिसको अपने ज्वार बोलते हैं उसका अलग है, पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सोरगी पूरा नाम है। जो चौथा ऑप्शन था पेरेनोस्पोरा स्पार्सा, तो पेरेनोस्पोरा स्पार्सा ये आपका डाउनी मिल्ड्यू करता है रोज़ के अंदर। तो फ्रेंड ये चार ऑप्शन हैं, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको ग्रेपवाइन डाउनी मिल्ड्यू याद रखना है जो कि प्लाज्मोपोरा विटिकोला है, आपको पर्ल मिलेट में डाउनी मिल्ड्यू याद रखना है जो कि स्क्लेरोस्पोरा ग्रामनिकोला है, और जिसका मेजर सिम्टम क्या है? ग्रीन ईयर फॉर्मेशन। आपको याद रखना है डाउनी मिल्ड्यू सोरगम में कौन करता है? पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सोरगी, और डाउनी मिल्ड्यू रोज में कौन करता है? पेरेनोस्पोरा स्पार्सा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है, क्या आता है? एक तो आता है कि जो बोर्डेक्स मिक्सचर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ये किस किस केमिकल से बना हुआ है? तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फॉर प्रिपेयरिंग बोर्डेक्स मिक्सचर विच केमिकल कंपाउंड्स आर यूज, मतलब बोर्डो मिश्रण को तैयार करने के लिए किन किन रासायनिक यौगिकों का उपयोग किया जाता है या आवश्यकता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पेपर में आ चुका है और बहुत रिपीटिव है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी किसने की, आपको बताएंगे जरूर अगली स्लाइड में। तीसरा क्वेश्चन बोर्डेक्स मिक्सचर से आता है कि ये बोर्डेक्स मिक्सचर किस सन के अंदर सबसे पहले आया, मतलब किस ईयर में। और चौथा आता है कि बोर्डेक्स मिक्सचर को खोजने की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस डिसीज़ को सबसे पहले इसने कंट्रोल किया। तो पहले अपने यहाँ पे आंसर देंगे, देखो अपने पास चार ऑप्शन है कि बोर्डेक्स मिक्सचर के अंदर क्या क्या होता है। कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर एक ऑप्शन, दूसरा है कॉपर सल्फेट, कॉमन साल्ट और वाटर जिसको अपने NaCl बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, NaCl, लिंसिड ऑयल, और चौथा है कॉपर सल्फेट और लाइम एंड लिंसिड ऑयल। तो मोस्ट ऑफ को ये क्वेश्चन पता भी होगा लेकिन कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। सो जस्ट रिमेंबर बोर्डेक्स मिक्सचर इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर। कई बार एग्जाम में लाइम को ऐसे भी लिखा आ सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो फ्रेंड कन्फ्यूज मत होना, आपको तीन चीज़ें ट्रिकी यहाँ पे याद रखनी है कि बोर्डेक्स मिक्सचर के अंदर एक तो होता है कॉपर सल्फेट और दूसरा होता है लाइम, और लाइम को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं अपने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस वाटर, क्योंकि पानी के अंदर इन दोनों केमिकल को घोल के ये मिश्रण बनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कॉपर सल्फेट, लाइम प्लस वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर। तो अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देखो जो बोर्डेक्स मिक्सचर है वो डिस्कवर किया था पियरे मैरी अलेक्सिस मिलार्डेट। तो पेपर में लगभग डायरेक्टली PMA मिलार्डेट लिखा आता है, क्या लिखा आता है? PMA मिलार्डेट। तो जो बोर्डेक्स मिक्सचर वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, ये किस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए डिस्कवर हुआ था? ग्रेपवाइन डाउनी मिल्ड्यू डिसीज़ के ख़िलाफ़, जिसका आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि ग्रेपवाइन डाउनी मिल्ड्यू से एक समय के अंदर यूरोप के अंदर पूरा का पूरा ग्रेप्स का बिजनेस और इंडस्ट्री डिवास्टेट हो गया था। तीसरा, ये कब हुआ था? तो आपके पास नेक्स्ट आंसर है 1885,
सन 1885 के अंदर बोर्डेक्स मिक्सचर डिस्कवर किया गया था। जो ओरिजिनल सबसे पहले जो कंपाउंड मिलार्डेट ने बनाया था वो क्या था? उसके अंदर उसने लिया 40 ग्राम कॉपर सल्फेट, 40 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 5 लीटर वाटर के अंदर। तो एक तो आपको ये कॉम्बिनेशन याद रखना है कि 40 ग्राम प्लस 40 ग्राम प्लस 5 लीटर ऑफ वाटर। लेकिन पेपर में कई बार क्या होता है, पेपर में पूछा जाएगा कि 1% बोर्डेक्स मिक्सचर कैसे बनता है। 1% अगर आपको बनाना है तो इसका कॉम्बिनेशन रेशियो आपको याद रखना है 1:1:100। तो इसमें एक पार्ट क्या होता है, मतलब एक भाग इसके अंदर होता है कॉपर सल्फेट, फिर दूसरा भाग क्या होता है हाइड्रेटेड लाइम या जिसको अपने बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर नॉर्मल लाइम, और तीसरा क्या होता है 100 किलो ऑफ या 100 लीटर ऑफ वाटर। तो फ्रेंड आपको याद रखना है, अगर पेपर में क्लियरली पूछा जाएगा कि 1% बोर्डेक्स मिक्सचर कैसे प्रिपेयर करते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्डेक्स मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर कॉपर सल्फेट होता है, हाइड्रेटेड लाइम है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और वाटर होता है। और 1% बनाने के लिए 1 किलो कॉपर सल्फेट, 1 किलो हाइड्रेटेड लाइम और 100 लीटर ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है। बोर्डेक्स मिक्सचर वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले किस पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया गया था? अगर पैथोजन का नाम पूछ ले तो प्लाज्मोपोरा विटिकोला, अगर बीमारी का नाम पूछ ले तो डाउनी मिल्ड्यू डिसीज ऑफ ग्रेपवाइन। किसने डिस्कवर किया? मिलार्डेट ने, कौन से सन में? 1885 के अंदर। हमारा पांचवा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, S.A. वाक्समैन वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ। ये एक साइंटिस्ट हैं वाक्समैन, इन्होंने किस चीज़ की खोज के लिए वर्ल्ड के अंदर नोबल प्राइज़ जीता था? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपके पास है, आपके पास ऑप्शन क्या क्या हैं? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑर्गेनिक फंगिसाइड और सिस्टेमिक फंगिसाइड। तो ये चार ऑप्शन हैं, इनके अंदर वाक्समैन को नोबेल प्राइज़ किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए मिला था? तो उसका आंसर क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इनके अलावा जो तीन ऑप्शन है, पेनिसिलिन, ऑर्गेनिक फंगिसाइड, सिस्टेमिक फंगिसाइड, तो इसके रिगार्डिंग क्या डिस्कवरी हुई है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी वर्ल्ड के अंदर क्या है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो कि बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक है। तो पेनिसिलिन किससे मिली है? पेनिसिलिन नोट एटम एक फंगस है। तो पेपर में पूछा जाता है कि पेनिसिलिन वर्ल्ड के अंदर किसने डिस्कवर की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, तो ये किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो आपको फ्रेंड याद रखना है, पेनिसिलिन वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और किस साल के अंदर ये डिस्कवर हुई थी? 1929 या 1929 के अंदर। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। एक्चुअली फ्लेमिंग किसी चीज़ और चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा था, लेकिन उसने एक्सीडेंटली ये पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। और किसके ऊपर किया, कई बार पेपर में आता है। वो क्या कर रहा था, जब उसने अपनी प्लेट्स देखी तो उस प्लेट्स के अंदर एक मोल्ड था। ये पेनिसिलियम नोटेटम एक मोल्ड है, इसने स्टेफाइलोकोकस ओरियस की कलोनी को प्रिवेंट किया था। तो आपको याद रखना है, पेनिसिलियम किससे मिली है? पेनिसिलियम नोटेटम से मिली है, जो कि एक मोल्ड है। और ये किसकी ग्रोथ को रोक रहा था, वो क्या था? स्टेफाइलोकोकस ओरियस। और ये किसने खोजा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 के अंदर। तो वाक्समैन की बात करते हैं, जैसा कि पिछले स्लाइड में बताया, वाक्समैन को नोबेल प्राइज मिला, जो कि नेक्स्ट एंटीबायोटिक थी जो कि बहुत फेमस हुई पेनिसिलिन के बाद, क्या थी वो? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये तो आज भी चलती है, और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन 1952 के अंदर डिस्कवर की गई। उसके बाद जो आपको मैंने दो ऑप्शन और दिए थे, ऑर्गेनिक फंगिसाइड की डिस्कवरी और सिस्टेमिक फंगिसाइड की डिस्कवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आ चुका है। जो ऑर्गेनिक फंगिसाइड की डिस्कवरी है वो की है टिस्डेल एंड विलियम्स। तो पेपर में आपके पास टिस्डेल एंड विलियम्स दो वर्ड लिखे आएंगे। तो इन्होंने 1934 के अंदर ऑर्गेनिक फंगिसाइड की डिस्कवरी की। तो ऑर्गेनिक फंगिसाइड का कौन सा ग्रुप था वो? एल्किल डायोथायोकार्बामेट्स। तो आपको ये भी याद रखना है, एल्किल डायोथायोकार्बामेट्स। तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले वर्ल्ड में टिस्डेल एंड विलियम्स ने की थी 1934 में। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, सिस्टेमिक फंगिसाइड। सिस्टेमिक फंगिसाइड का मतलब क्या होता है? जो प्लांट या पौधे के अंदर ट्रांसलोकेटेड होते हैं। जनरली फंगिसाइड सिस्टेमिक्स होते हैं या फिर कॉन्टैक्ट होते हैं। कॉन्टैक्ट होने का मतलब है जहाँ पे फंगिसाइड चिपकेगा सिर्फ उसी भाग को मारेगा, जबकि सिस्टेमिक के अंदर ऐसा नहीं होता, वो प्लांट के पूरे भाग में ट्रांसलोकेट होगा, और जहाँ पे भी फंगस या बैक्टीरिया या कोई भी और पैथोजन ग्रोथ कर रहा होगा तो उसको मारेगा।
तो सिस्टेमिक फंगिसाइड की वर्ल्ड के अंदर डिस्कवरी 1966 के अंदर किसने की? स्मेलिंग एंड कुलका। तो पेपर में आपके पास कुलका या स्मेलिंग या स्मेलिंग एंड कुलका लिखा आएगा, तो आपको ये याद रखना है। तो इस स्लाइड से आपको चार इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के बारे में पता चला। सबसे पहले पेनिसिलिन, जिसको एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। ऐसे वॉक्समैन ने आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन भेजी। उसके बाद टिस्डेल एंड विलियम्स ने जो डिस्कवर किया वो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फंगिसाइड, जो कि 1934 के अंदर डिस्कवर की गई थी। और स्मेलिंग एंड कुलका ने 1966 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की वो क्या थी? सिस्टेमिक फंगिसाइड्स। और आपको मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक फंगिसाइड में आपको क्या याद रखना है, एल्किल डायथायोकार्बामेट ग्रुप, जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, जो कि अभी रिसेंटली राजस्थान के अंदर भी एओ के एग्ज़ाम में पूछा गया था, और लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ ही जाता है। क्वेश्चन क्या है? जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, या अपने हिंदी में कह सकते हैं, जीन के लिए जीन परिकल्पना किसने प्रस्तावित की? जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस होती क्या है? देखो, इसके अंदर दो जीन होते हैं, एक को बोलते हैं अपने ए वर्यूलेंट जीन और एक को बोलते हैं अपने वर्यूलेंट जीन। ए वर्यूलेंट जीन होता है जो कि नॉर्मल होता है, और वर्यूलेंट होता है जो कि घातक होता है। तो इन दोनों के इंटरेक्शन से ही कोई ना कोई डिसीज़ होती है। तो इस डिसीज़ के लिए एक थ्योरी बनाई गई, जिसको बोला गया जीन फॉर जीन हाइपोथीसिस। तो अपने आप ये इंपॉर्टेंट हो गई ना, क्योंकि ये डिसीज़ के इंटरेक्शन के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, H.H. फ्लोर, J.G. कूहन, एंटोन डी बैरी एंड रॉबर्ट हार्टविग। तो इन चारों में से जो जीन फॉर जीन हाइपोथीसिस के साथ एसोसिएटेड है वो है H.H. फ्लोर। तो बाकी तीन ने क्या काम किया, आओ जाने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस से रिलेटेड सब चीज़ों की, जो पेपर में कॉमनली पूछी जाती हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो पेपर में यही आता है कि जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किसने प्रपोज की। तो ये प्रपोज करने वाला था फ्लोर, ठीक है, F से फ्लोर याद रखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये जब जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस प्रपोज की गई, तो ये जो बंदा था फ्लोर, ये किसके ऊपर काम कर रहा था, मतलब कौन सी बीमारी या कौन सी डिसीज़ के ऊपर काम कर रहा था? तो वो भी एफ से शुरू होती है, उसको बोलते हैं फ्लेक्स रस्ट। फ्लेक्स क्या होता है? फ्लेक्स जो आपके पास एक फसल होती है, जिसको अपने बोलते हैं लिनसिड। तो लिनसिड के फाइबर को फ्लेक्स बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जब लिनसिड को फाइबर पर्पज़ के लिए ग्रो किया जाता है तो उसको फ्लेक्स बोलते हैं। तो H.H. फ्लोर ने फ्लेक्स रस्ट पर काम करते हुए जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस डेवलप की। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, जब आपको मैंने बताया कि ये फ्लेक्स की ये डिसीज़ है, क्या है? फ्लेक्स रस्ट। तो कोई ना कोई तो इसका साइंटिफिकली पैथोजन होगा ही, तो उसका पैथोजन का नाम क्या है? मेलमस्पोरा लिनी। तो मेलमस्पोरा लिनी है जो कि फ्लेक्स रस्ट डिसीज़ करता है। अब रस्ट के अंदर होता क्या है, ब्राइट ऑरेंज और पाउडरी पस्चूल बन जाते हैं। अगर आप लिनसीड की पत्ती पर देखेंगे तो आपको ऑरेंज कलर के या पाउडरी पस्चूल बनेंगे, जो कि किससे बने होते हैं? तो ये जो पस्चूल होते हैं, ये आपके यूरेडिया से बने होते हैं। तो जब आप एक बार कभी फंगस के अंदर चैप्टर पढ़ेंगे स्पोर्स का, तो बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्स होते हैं, यूरेडियो स्पोर्स, टीलियो स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स, ऊ स्पोर्स, जू स्पोर्स। इसका एक चैप्टर यूट्यूब के अंदर पढ़ा भी है, रिप्रोडक्शन बाय फंगी ऑनलाइन एग्रीकल्चर के पोर्टल पर। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है तो आप एक बार वो चैप्टर ज़रूर देखें, क्योंकि आपके बहुत सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं मेरे अदर ऑप्शन, जो मैंने आपको पर्पसफुली इस क्वेश्चन के अंदर अदर ऑप्शन डाले थे, क्योंकि उनकी जो डिस्कवरी है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और पेपर में बार बार पूछी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है वो, एंटोन डी बैरी। एक ऑप्शन मैंने आपको पेपर में दिया था। तो एंटोन डी बैरी बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं पैथोलॉजी के अंदर, इनकी बहुत सारी डिस्कवरी हैं। सबसे पहली डिस्कवरी क्या है, इलूसीडेटेड द लाइफ साइकिल ऑफ फास्ट ऑफ थेरा अफाइट ऑफ थेरा इन्फेस्टन्स। तो फ्रेंड्स, आपको पिछली स्लाइड्स के अंदर मैंने बताया था फाइटोफ्थेरा इन्फेस्टन्स कितना घातक फंगस है। इन्होंने इस फंगस का लाइफ साइकिल के बारे में बताया। फाइटोफ्थेरा इन्फेस्टन्स ने क्या किया था वर्ल्ड में, आयरिश फेमाइन की थी 1845 के अंदर। और दूसरा, इन्होंने बताया कि ये एक फंगस है, ठीक है। उसके बाद अब इतनी अमेजिंग डिस्कवरी है, जो कि सन 1861 के अंदर ही कर दी गई थी। तो ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी।
सो फ्रेंड्स मस्ट रिमेंबर, अगर पेपर में आता है फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी तो वो कौन है? वो है आपके एंटोन डी बेरी। क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत ही पहले बता दिया था कि आयरिश फेमाइन करने के लिए जो जिम्मेदार फंगस थी वो थी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन्स। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी जो कि एंटोन डी बेरी की है वो क्या है? एंटोन डी बेरी ने सब वर्ल्ड में सबसे पहले ये रिपोर्ट किया कि जो वीट स्टेम रस्ट पैथोजन है, वीट के अंदर स्टेम रस्ट कौन करता है? वीट में स्टेम रस्ट करता है पक्सीनिया ग्रामिनिस स्पीशीज ट्रिटिसी। तो वीट के अंदर जो स्टेम रस्ट करता है उसका लाइफ साइकिल के बारे में भी एंटोन डी बेरी ने डिकोड किया। तो उसने ये बताया कि इसका लाइफ साइकिल होता है वो हिटेरोशियस नेचर का होता है। हिटेरोशियस नेचर का मतलब क्या होता है? जब एक पैथोजन को दूसरा होस्ट भी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए चाहिए होता है। तो फ्रेंड बात करते हैं, अगर वीट के ऊपर पक्सीनिया ग्रामिनिस टीटीसी स्टेम रस्ट डिसीज कर रहा है तो इसको एक अल्टरनेट होस्ट चाहिए जिसको अपने क्या बोलते हैं, बारबेरी। तो ये आपका पेपर में बहुत बार आ चुका है बारबेरी। बारबेरी की जो स्पीशीज़ का नाम क्या क्या है? माहो बारबेरिस या माहोनिया, जो कि नीचे में मैंने लिखा हुआ है। तो पेपर में अगर आपसे पूछ ले वीट स्टेम रस्ट में पक्सीनिया ग्रामिनिस टीटीसी के लिए जो अल्टरनेट होस्ट है वीट के अलावा अपना जीवन काल पूरा करने के लिए, वो कौन सा है? बारबेरी है। पेपर में ऑप्शन होगा ब्रिंजल होगा बार्ली होगा, तो इन सब से कंफ्यूज मत होना, आपको बारबेरी मारना है आंसर। तो ये जो हिटेरोशियस लाइफ साइकिल है पक्सीनिया ग्रामिनिस टीटीसी का, इसके बारे में भी वर्ल्ड में सबसे पहले एंटोन डी बेरी ने ही बताया। तो ये इनकी दूसरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी वर्ल्ड के अंदर इससे रिलेटेड है। तीसरा इसके अंदर जो मैंने आपको ऑप्शन दिया था वो क्या था? जे जी कूहन। तो जे जी कूहन सिंपली उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, उस बुक का नाम पूछा जाता है कई बार पेपर के अंदर, तो उस बुक का नाम क्या है? द डिसीज ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप्स एंड दियर कोज एंड दियर कंट्रोल। अगर पेपर में आता है कि डिसीज ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप्स दियर कोज एंड दियर कंट्रोल, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक का लिखने वाला जो बंदा है वो कौन है? जे जी कूहन। और चौथा ऑप्शन जो मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर दिया था वो था रॉबर्ट हार्टिग। तो रॉबर्ट हार्टिग जो हैं इनको क्या बोलते हैं? रॉबर्ट हार्टिग भी एंटोन डी बेरी की तरह एक फादर हैं। एंटोन डी बेरी किसके फादर थे? फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के। जबकि रॉबर्ट हार्टिग किसके फादर हैं? फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी। मतलब ये बंदा जो फॉरेस्ट जंगलों के अंदर पेड़ों से कोई बीमारियाँ एसोसिएटेड थी तो उससे रिलेटेड रिसर्च किसने की है? रॉबर्ट हार्टिग ने की है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है, उस बुक का नाम क्या है? इम्पोर्टेंट डिसीज ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फ्लेक्स रस्ट के अंदर एच फ्लोर ने कौन सी हाइपोथेसिस प्रपोज की? जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। और ये कौन करता है? मेलमस्पोरा लिनी। एंटोन डी बेरी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? उसको अपने फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने फाइटोप्थेरा इन्फेस्टन्स या फिर आप कह सकते हैं आयरिश फेमाइन या फिर आप कह सकते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के पैथोजन का लाइफ साइकिल डीकोड किया। या फिर इन्होंने हिटेरोशियस नेचर बताया किसकी? वीट स्टेम रस्ट डिसीज की, जो कि पक्सीनिया ग्रामिनिस टीटीसी से होती है। तो एंटोन डी बेरी ने ही बताया कि बारबेरी वीट स्टेम रस्ट का अल्टरनेट होस्ट है। तो किसने बताया? बेरी ने। बेरी ने क्या बताया? बारबेरी। ओके, जे जी कूहन, वो उन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या है? डिसीज ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप्स एंड दियर कोज एंड दियर कंट्रोल। एंड रॉबर्ट हार्टिग, जिसको अपने बोलते हैं फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी, उसका नाम है इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं जिस तरह वर्ल्ड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमाइन हुई थी आयरिश फेमाइन, उसी तरह इंडिया के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमाइन हुई थी, इसको अपने बोलते हैं ग्रेट बंगाल फेमाइन। किस में हुई थी? राइस क्रॉप में। तो हमारा प्रश्न है, ग्रेट बंगाल फेमाइन वॉज ड्यू टू विच डिसीज ऑफ राइस? या फिर आप कह सकते हैं महान बंगाल का अकाल जो चावल के किस रोग के कारण था? तो रोग के कारण था, एक तो आपको ये डिसीज का नाम याद रखना है, फिर आपको याद रखना है इसका फैक्टर कौन है, फंगस है बैक्टीरिया है या वायरस है या वायरॉइड है। तो यहाँ आपके पास चार इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्टेम रस्ट, दूसरा ऑप्शन है ब्राउन लीप स्पॉट ऑफ राइस, तीसरा ऑप्शन है शीत ब्लाइट और चौथा ऑप्शन है एंगुलर लीप स्पॉट। सो जब अपने बंगाल ग्रेट बंगाल फेमाइन की बात करते हैं
तो इसका आंसर क्या है? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। आइए जानें इसके बारे में थोड़ा सा। देखो 1943, तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, दो फेमाइन ही आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंटली। आयरिश फेमाइन के बारे में मैंने आपको बताया था, वो कब आई थी? 1883 और यहाँ पे 85 सॉरी। ग्रेट बंगाल फेमाइन का लगभग 98 साल या 100 साल आप बोल सकते हो 1943 के अंदर। किससे आई? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। तो ये ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस है, इसका रोग कारक का नाम क्या? हेलिमिंथोस्पोरियम ओराइजी। हेलिमिंथोस्पोरियम ओराइजी राइस के अंदर ब्राउन लीफ स्पॉट डिसीज करता है। आजकल इस पैथोजन या इस फंगस का एक और नाम भी प्रचलित है, जिसका नाम क्या है? कोकिलोबोलस मिया बियनस। तो ये इसका एक अनदर नेम है, क्या है? कोकिलोबोलस मिया बियनस। तो आपको दोनों याद रखने हैं, पेपर में कोई भी आ सकता है, या तो हेलिमिंथोस्पोरियम ओराइजी आ सकता है या कोकिलोबोलस मिया बियनस आ सकता है। तो आप अगर राइस की पत्ती पर देखेंगे तो इसके अंदर आपको इलिप्टिकल लिसन टाइप स्ट्रक्चर्स मिलेगी, जो कि क्या है? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। एक इम्पॉर्टेंट बात इस फंगस के लिए और ये भी है कि इट वॉज कंसिडर्ड फॉर द यूज़ बाई यूएसए एज ए बायोलॉजिकल वेपन अगेंस्ट जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। मतलब जब वर्ल्ड वार द्वितीय चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तब अमेरिका ने सोचा था कि इस फंगस को जापान के खेतों में छोड़ा जाए ताकि वहाँ की राइस की फसल बर्बाद हो जाए, और इस तरह से ये एक बायोलॉजिकल वेपन का यूज अमेरिका करना चाहता था पर किया नहीं। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो ग्रेट बंगाल फेमाइन है किस साल के अंदर आई है, तो साल आपको बता दिया है मैंने, 1943 के अंदर आई है। इसका रोग कारक कौन है? हेलिमिंथोस्पोरियम ओराइजी है, और इसका नया नाम क्या है? कोकिलोबोलस पिया बियनस, या फिर आप कह सकते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस कॉमनली। हमारा अगला प्रश्न है, जो फिर से एक बहुत ही यूनिक प्रश्न है, क्योंकि इसका कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न से सीधे भी आते हैं और कंसेप्ट से भी आते हैं, और बहुत लोग इसके अंदर मार खाते हैं। ये प्रश्न भी राजस्थान के अंदर एओ के अंदर ये पूछा गया था। हु फाउंड द कंसेप्ट ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इन प्लांट। हॉरिजेंटल आपको पता है सीधी लाइन, या फिर आप उसको बोल सकते हैं क्षैतिज आकार, या फिर वर्टिकल आप बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर। तो इन दोनों की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोधक अवधारणा पौधों के अंदर किसने बताई? तो आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पे हैं, बी मुंडकर, जे ई वंडरप्लैंक, रॉबर्ट कोच एंड स्टानली फाल्को। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आंसर बता देते हैं, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है, जो इसके बारे में सबसे पहले पता लगाने वाला आदमी था वो था जे ई वंडरप्लैंक। इसके अलावा जो तीन पर्सन है, जैसे बी मुंडकर को बोला जाता है इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी के जनक। ओके, फिर अपने पास है रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच के बारे में सब जानते हैं, इन्होंने कोच पास्टुलेट्स दिए थे, जो कि किसी भी रोग कारक होने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं एक चीज़ बोल दूँ कि ये एक पैथोजन है या एक रोग कारक है, तो उसको अगर आपको रोग कारक डिक्लेयर करना है, तो पहले आपको ये चारों के चारों रॉबर्ट कोच के पास्टुलेट्स को सेटिस्फाई करना होगा। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट कोच के कोच पास्टुलेट कितने हैं, वो चार हैं। इसके बारे में आपको हम कभी और बताएंगे। तो रॉबर्ट कोच के पास्टुलेट्स जब रॉबर्ट कोच ने दिए थे, तब डीएनए या आरएनए के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट हुआ, लोगों को डीएनए आरएनए प्रोटीन इनके बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई, तो रॉबर्ट कोच के कोच पास्टुलेट्स को स्टानली फाल्को ने मॉडिफाई किया। तो इन्होंने एक नया टर्म दिया, मोलिकुलर कोच पास्टुलेट्स, MKP। तो अगर पेपर में आएगा मोलिकुलर कोच पास्टुलेट्स, ये किसने डिस्कवर किए, तो इसका आंसर क्या है? स्टानली फाल्को। तो अब आपको इस प्रश्न का जो असली आधार है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताते हैं। सो फ्रेंड्स 1963 1963 के अंदर वांडर प्लैंक ने वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस को पौधों में खोजा। अब इससे पेपर में क्वेश्चन क्या आते हैं? देखो जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है वो मल्टीजेनिक है। मल्टीजेनिक मतलब बहुत सारे जीन, एक से लेके मान लो 10 जीन, ये एग्जाम्पल है कि बहुत सारे जब जीन किसी बीमारी को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीजेनिक। जबकि वर्टिकल रेजिस्टेंस आपकी क्या है? ओलिगोजेनिक। ओलिगोजेनिक मीन
कुछ एक जीन भी हो सकता है, आप मोनोजेनिक भी बोल सकते हो इसको, या फिर फ्यू जीन, मतलब दो या तीन जीन, उसको आप ओलिगोजेनिक बोल सकते हो। तो ये रेस, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या है, रेस नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, मान लो आपका जो पौधा है वीट का, इसके अंदर रेजिस्टेंस है, स्टेम रस्ट के खिलाफ भी रेजिस्टेंस है, स्टेम ब्लाइट के खिलाफ भी रेजिस्टेंस है, उसके बाद टर्माइट्स के खिलाफ भी रेजिस्टेंस है, और कुछ और पैथोजन या पेस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस है। मतलब एक ही पौधा बहुत सारी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक है या रेजिस्टेंट है, तो वो क्या होगा, वो स्पेसिफिक थोड़ी होगा, वो तो नॉन स्पेसिफिक होगा ना। तो आपका आंसर क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, जबकि आपकी वर्टिकल रेजिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक है। मतलब आपने पर्टिकुलरली एक पौधा बनाया जो आपका एक इंसेक्ट या एक डिसीज के प्रति प्रतिरोधक है, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप बीटी को मान के चलो, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी कपास, वो क्या होती है, अमेरिकन बोल वॉर्म से रेजिस्टेंट है, तो वो एक तरह की रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसके अंदर है। अब तीसरी बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वर्टिकल रेजिस्टेंस की कंपेयर में ज़्यादा ड्यूरेबल है। ज़्यादा ड्यूरेबल का मतलब होता है ज़्यादा स्थाई। तो सीधी सी बात है, जिसके अंदर मल्टी जीन किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो बहुत सारे जीन में से मान लो एक जीन ख़राब हो गया या काम करना बंद कर दिया, तो उससे रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली रेजिस्टेंस है, उसको बोलेंगे ड्यूरेबल रेजिस्टेंस। जबकि वर्टिकल रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम जीन से होती है, एक या दो जीन से होती है, तो मान लो उसमें एक जीन ख़राब हो गया तो वो रेजिस्टेंस टूट जाएगी, मतलब उसके ऊपर बीमारी या जो भी पेस्ट होगा या पैथोजन होगा वो उस प्लांट को ख़त्म कर देगा, तो ये लेस ड्यूरेबल है। फिर अपने बात करते हैं इसका अदर नेम, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस कहते हैं, बोलते हैं संख्यात्मक, क्वांटिटेटिव, क्यों, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी, कैसे, इसके अंदर जीन भी बहुत सारे हैं और ये बहुत सारी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता देती है, तो हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस होती है आपकी क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस होती है, जबकि वर्टिकल रेजिस्टेंस आपकी क्वालिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी एक बीमारी के लिए एक क्वालिटी रेजिस्टेंस देती है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जैसे कि बीटी एक क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस एग्जिबिट करता है। ओके, एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस्ड, मतलब मल्टी जीन है तो मल्टी जीन के अंदर कोई ना कोई जीन तो बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, तो कौन सी रेजिस्टेंस एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, वो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, जबकि आपकी वर्टिकल रेजिस्टेंस जो है वो एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको पेपर में पूछा जाए या मैं ही पूछता हूँ कि इन दोनों में से कौन सी रेजिस्टेंस बढ़िया है, अगर आपको कोई पौधा तैयार करना है, तो आई विल से हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इज़ द बेस्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि एक जीन से रेजिस्टेंस ख़राब होगी तो दूसरा असर तो करेगा कम से कम। बट अगर आपको कहूँ मैं कि अगर आपकी क्रॉप बहुत ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की है, जैसे बहुत ही फेमस महंगी क्रॉप है, मान लो चंदन है या वनीला है, और उसमें एक डिसीज है जो हर साल उसको ख़राब करती है, तो उस टाइम आपका ऑप्शन क्या होगा, वर्टिकल रेजिस्टेंस होगा। तो सिंपल सी बात है, बेस्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अगर आपकी क्रॉप की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आपको वर्टिकल रेजिस्टेंस का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक ही स्लाइड से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजिस्टेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये कंसेप्ट आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, करनाल बंट डिसीज ऑफ वीट वाज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय हुम। तो मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था वीट के अंदर एक डिसीज के बारे में, जिसको अपने क्या बोले थे, स्टिंकिंग बंट। तो यहाँ पे क्या आ गया, करनाल बंट। करनाल बंट क्यों बोला, क्योंकि ये बंट सबसे पहले करनाल के अंदर मिला था। तो मैंने ये प्रश्न पूछा है कि करनाल बंट को सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया, तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मित्रा 1931, टी जे बर्रिल 1882, ई एफ स्मिथ 1920, या फिर जे लीडरबर्ग 1952। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, करनाल बंट इंडिया में डिस्कवर किया गया था, रिपोर्टेड किया किसने किया, मित्रा ने 1931 में। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बताता हूँ, जो आपका टी जे बर्रिल है, ये एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने सबसे पहली बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में बताया। वो बैक्टीरियल डिसीज़ क्या थी, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पियर। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पियर एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, जो किसने बताया, बर्रिल ने। तो आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, बर्रिल बैक्टीरियल फायर ब्लाइट। तो इस तरह से आपको टी जे बर्रिल के बारे में कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखना है। और अगर अपने बात करते हैं लीडरबर्ग की, तो लीडरबर्ग ने प्लाज्मिड के बारे में सबसे पहले बताया था।
तो फ्रेंड्स ये दो इन्वेंशन इनकी आपको याद रखनी है, बर्रिल की और लीडरबर्ग की। और करनाल बंट के बारे में जो मैंने पूछा है कि इसको इंडिया में सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था, मित्रा ने 1931 के अंदर किया था। तो करनाल बंट के बारे में हम जानेंगे। देखो करनाल बंट को कॉमनली एक अदर नाम भी इसको बोलते हैं अपने, पार्शियल बंट। जैसे अपने स्टार्टिंग में स्टिंक बंट पड़ा था, या इसको अपने कॉमन बंट बोलते थे, लेकिन करनाल बंट को क्या बोल रहे हैं अपने, पार्शियल बंट। कन्फ्यूज मत होना, दोनों के नाम अलग हैं और दोनों के पैथोजन भी अलग हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया था टिलेशिया अदर स्पीशीज थी, टिलेशिया, बट यहाँ पे करनाल बंट के अंदर कौन सी स्पीशीज है, टिलेशिया इंडिका। इंडिका क्यों बोला, क्योंकि इंडिका ये इंडिया के करनाल, करनाल एक शहर है जो कि हरियाणा के अंदर है, दिल्ली के पास में है, तो ये करनाल से मिली थी, तो इसका नाम क्या रख दिया, टिलेशिया इंडिका। इसके अंदर भी सेम जैसे स्टिंकिंग बंट के अंदर गंदी फिशी स्मेल आती है, इसके अंदर भी वो स्मेल आती है। और वो स्मेल किसके कारण आती है, ट्राई मेथिल एमीन। आपको ये कंपाउंड का नाम याद रखना है, ये कंपाउंड जिम्मेदार है फिशी स्मेल के प्रोड्यूस होने का कारण है। जो आपकी करनाल बंट डिसीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी विंड से भी फैलती है, एयर से भी, सॉयल से भी और सीड से भी। तो ये आपको याद रखना है कि एयरबॉर्न, सीड बॉर्न और सॉयल बॉर्न, तो जो आपकी करनाल बंट डिसीज़ है वो तीनों ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पेपर में वेक्टर पूछा जाता है कि ये फंगस या ये स्पोर किसके कारण फैलता है, तो अगर आपको वेक्टर नहीं पता होगा तो आप बता नहीं पाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच डिसीज अमंग दिस इज द इंटरनली सीड बोर्न डिसीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आ चुका है। इनमें से कौन सा आंतरिक बीज जनित रोग है, मतलब जो बीज या सीड के अंदर से बोर्न होता है, बाहर से नहीं। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 4, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, ग्रेन स्मट ऑफ सोरगम, बंट ऑफ सीरियल्स और लूज मट्स ऑफ व्हीट एंड बार्ली। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है लूज मट्स ऑफ व्हीट एंड बार्ली, वो आपका क्या है, इंटरनली सीड बोर्न डिसीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जो बाकी तीनों डिसीज़ के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये एक्सटर्नली सीड बोर्न है, मतलब बीज के बाहर से ये लगते हैं। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ऊपर मेंशन किया सीड ट्रांसमिटेड डिसीज़, इंटरनली सीड बोर्न डिसीज़ की बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो है लूज मट ऑफ व्हीट एंड बार्ली। उसके अलावा अगर आप चिक पी की बात करेंगे, चिक पी मतलब बेंगल ग्राम या चना, तो उसके अंदर एक डिसीज़ होती है एस्कोकाइटा ब्लाइट, उसको हम बोलते हैं एस्कोकाइटा ब्लाइट, एक एस्कोस्पोर्स के कारण होती है, चिक पी में होती है, ये भी आपकी इंटरनली सीड बोर्न डिसीज़ है। या फिर आप ब्रिंजल के बारे में बात करेंगे तो ब्रिंजल में कौन सा ब्लाइट, फोमोप्सिस ब्लाइट, तो फोमोप्सिस ब्लाइट ब्रिंजल के फ्रूट्स के ऊपर होता है, ये भी आपका इंटरनली सीड बोर्न डिसीज़ है। तो ये तीन डिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी इंटरनली सीड बोर्न है। जब अपने एक्सटर्नली सीड बोर्न डिसीज़ की बात करेंगे तो एक्सटर्नली सीड बोर्न डिसीज़ के अंदर है कवर्ड स्मट्स ऑफ बार्ली एंड ओट। तो कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली एंड ओट एक एक्सटर्नली सीड बोर्न डिसीज़ है। इसके अलावा ग्रेन स्मट ऑफ सोरगम तथा बंट्स ऑफ सीरियल, सो ये तीनों की तीनों क्या हैं, एक्सटर्नली सीड बोर्न डिसीज़ है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि लूज मट ऑफ व्हीट जो कि इंटरनली सीड बोर्न डिसीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के अंदर। इसको कंट्रोल करने का एक मेथड है, उसको अपने क्या बोलते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, या फिर एक सोलर हीट ट्रीटमेंट भी इसका है जो कि लूथरा ने प्रपोज किया था। तो पेपर में ये भी आता है कि सोलर हीट ट्रीटमेंट फॉर कंट्रोलिंग लूज मट ऑफ व्हीट प्रपोज बाय लूथरा, और इसका पैथोजन कौन है, अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटीसी। तो फ्रेंड्स रस्ट के साथ कंफ्यूज मत होना, ये लूज मट है, तो इसका जो पैथोजन क्या है, अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटीसी है, जो कि व्हीट के अंदर लूज मट ऑफ व्हीट और बार्ली करता, दोनों में करता है, व्हीट में भी और बार्ली में भी। फ्रेंड्स जब अपने व्हीट के बारे में बात करते हैं तो जो अगला प्रश्न आता है ना, स्मट और रस्ट के अंदर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, तो रस्ट एंड स्मट के लिए अलग अलग पैथोजन है। तो रस्ट के बारे में बात करेंगे तो व्हीट में तीन तरह के रस्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं लीफ रस्ट, ट्राइप रस्ट और स्टेम रस्ट। जो लीफ रस्ट होता है इसको अपने ब्राउन रस्ट भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो ब्राउन रस्ट होता है ये कौन करता है, पक्सीनिया रेकोंडिटा। तो पक्सीनिया रेकोंडिटा ये व्हीट के अंदर ब्राउन रस्ट डिसीज करता है, तो इसका जो पैथोजन है पक्सीनिया रेकोंडिटा ट्रिटीसी, इसको अपने लीफ रस्ट भी बोलते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट रस्ट है जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर कॉमन है, उसको बोलते हैं स्ट्राइप रस्ट।
तो स्ट्राइप रस्ट करता है पक्सीनिया स्टरीफॉर्मिस। स्ट्राइप रस्ट का अदर नेम क्या है? येलो रस्ट। तो आपको बहुत क्लियरली याद रखना है, जो लीफ रस्ट होता है वो होता है ब्राउन रस्ट, रेकोंडिटा। तो ब्राउन से रेक याद होना चाहिए, ब्राउन, रेकोंडिटा, स्ट्राइप या स्टरीफॉर्मिस या फिर येलो रस्ट। और लास्ट क्या होता है जिसको अपने स्टेम रस्ट या फिर ब्लैक रस्ट बोलते हैं? तो स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट होता है आपका पक्सीनिया ग्रैमिनिस्टिटिसी के कारण। तो फ्रेंड्स, ये तीन तरह के रस्ट हैं और तीनों वीट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रस्ट का लाइफ साइकिल जरूर पढ़िएगा एक बार, क्योंकि रस्ट के लाइफ साइकिल से स्पोर के से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रश्न अवेलेबल हैं इस स्लाइड के अंदर जो आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा एंटोमोलॉजी से रिलेटेड कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, और इसके अंदर आपका बहुत सारे क्वेश्चन, मैं एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे प्रश्न आपके कवर करूंगा तो आपको याद रहेगा। देखो, सबसे पहले मैंने पूछा है कॉर्निकल्स आर ए पेयर ऑफ ट्यूब्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द डोरसम ऑफ सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट इन द विच इंसेक्ट। सिंपल सी बात है। तो मैंने पूछा है इसके अंदर जो कॉर्निकल्स होते हैं, ये एक स्ट्रक्चर होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कहाँ से निकलती है? इंसेक्ट की एब्डोमिन से। तो ऐसे एब्डोमिन के ऊपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और कौन से सेगमेंट पे होती है? सिक्स सेगमेंट पे। ये किस इंसेक्ट या किस कीट के अंदर पाई जाती है? सिंपल सा प्रश्न है, कॉर्निकल्स किस में होते हैं? एफिड्स, मिलीबग्स, थ्रिप्स या वाइट फ्लाइज? तो बात करते हैं इसका आंसर क्या है, एफिड्स। अब ये है क्या? ये एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स हैं। एब्डोमिनल क्या होता है? देखो, जब अपने इंसेक्ट के बारे में बात करते हैं तो इंसेक्ट की बॉडी को तीन भाग में बांटा जाता है। पहला भाग होता है हेड, दूसरा थोरेक्स, तीसरा एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के अंदर ये स्ट्रक्चर होती है। तो फ्रेंड्स, जब मैं बोल रहा हूँ कि क्रोनिकल्स एफिड्स में होता है, तो बहुत सारे डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं इसके अंदर, डिफरेंट एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स होती है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो लेट्स सी क्या क्या एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स कॉमनली डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स में होती है। पहले आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर के अंदर आपको क्या दिख रहा है? कॉर्निकल्स। तो ये कॉर्निकल्स किस में है? एफिड में। इसके अलावा जो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स के बेस्ट एग्जाम्पल हैं वर्ल्ड में, वो क्या क्या हैं? तो इस लिस्ट के अंदर मैंने आपको दे रखा है, और आपको ये लिस्ट याद करनी है। अगर आपको पेपर के अंदर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो यहीं से आएगा। तो क्या है वो? मीडियन कोडल फिलामेंट। तो क्या होता है? कोडल अपने बोलते हैं पीछे के भाग को, जैसे ये एब्डोमेन है तो यहाँ पे एक फिलामेंट होता है मीडियन कोडल फिलामेंट। तो ये मीडियन कोडल फिलामेंट आपका मे फ्लाई के अंदर होता है और सिल्वर फिश के अंदर होता है। तो मे फ्लाई आपकी एफीमेरोप्टेरा ऑर्डर में आती है, और सिल्वर फिश आपकी टाइसेन्यूरा ऑर्डर में आती है। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको इतना याद रखना है कि मीडियन कोडल फिलामेंट किस में होता है। एम से एम याद रखो, मे फ्लाई एंड सिल्वर फिश। फिर अपने बात करते हैं कोडल ब्रीथिंग ट्यूब। तो कोडल ब्रीथिंग ट्यूब क्यों होती है? क्योंकि वाटर स्कॉर्पियन एक इंसेक्ट है जो पानी के अंदर रहता है। तो पानी के अंदर रहने के लिए ऑक्सीजन का एक्सचेंज उनको करना होता है जीने के लिए। तो वाटर स्कॉर्पियन के अंदर भी फिलामेंट की तरह एक ट्यूब होती है। फिलामेंट तो बिल्कुल छोटा होता है जैसे कि मे फ्लाई और सिल्वर फिश में है, लेकिन ट्यूब थोड़ी थिक होती है। तो ये कोडल ब्रीथिंग ट्यूब किस में होती है? वाटर स्कॉर्पियन के अंदर। फिर अपने बात करते हैं फाइगोस्टाइल्स। तो फाइगोस्टाइल्स भी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये किसके अंदर होती है? स्कोलिड वेस्प के अंदर होती है। तो अगर आपको फाइगोस्टाइल, तो फाइगो से स्कोलिड वेस्प आपको याद रखना है। फिर अपने बात करते हैं एनल स्टाइली, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। एनल स्टाइली किस में होती है? एनल के पास एक स्टाइल लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो होती है मेल कॉकरोच में। तो आप पेपर में मस्ट याद रखें, अगर पेपर में पूछा जाता है कि एनल स्टाइली किसका पार्ट है, तो एनल स्टाइली मेल कॉकरोच के अंदर पाई जाती है। तो ये सारे के सारे जितने भी अपरेटस बता रहा हूँ, ये सारे के सारे इंसेक्ट की एब्डोमेन के ऊपर लगे हुए हैं। फिर अपने बात करते हैं एनल हॉर्न। हॉर्न मतलब सींग लाइक स्ट्रक्चर छोटी सी, वो भी एब्डोमेन के पीछे होती है एनल के पास। तो ये स्फिंजिड कैटरपिलर्स के अंदर होती है। तो एनल हॉर्न्स के बारे में बात करेंगे अगर, तो एनल हॉर्न किस में होती है? स्फिंजिड्स मॉथ के अंदर होती है, वो कैटरपिलर्स में। कैटरपिलर को बोलते हैं यंग वंस, मतलब लार्वा ऑफ बटरफ्लाइज और मॉथ। तो स्फिंजिड के लार्वा में क्या होता है? एनल हॉर्न होता है। फिर अपने बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरसाई। तो सरसाई के बारे में बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे कैटेगराइजेशन दिया हुआ है। एक तो होता है दो तरह की सरसाई, एक जिसको बोलते हैं अपने शॉर्ट,
एक को बोलते हैं अपने लॉन्ग। सरसाई एक स्ट्रक्चर होती है एब्डोमेन के ऊपर, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर्स। शॉर्ट के भी दो पार्ट हैं, अगर ये तो एक फिलामेंट है मतलब अनसेगमेंटेड जिसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं है, तो उसका आंसर क्या है? ग्रास ऑफर। अगर पेपर में पूछा जाए कि शॉर्ट और अनसेगमेंटेड सरसाई किस में होती है, ग्रास ऑफर में होती है। और जब बात करें शॉर्ट और मैनी सेगमेंटेड तो होती है आपके कॉकरोच के अंदर। फिर अपने बात करते हैं लंबी लॉन्ग सरसाई की। अगर बात करें लॉन्ग और अनसेगमेंटेड किस में होती है, क्रिकेट में। क्रिकेट भी आपके ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर ग्रास ऑफर, क्रिकेट, मॉल क्रिकेट, कैटिडिड्स, लोकस्ट सारे इंसेक्ट ऑर्थोप्टेरा में आते हैं। और फिर नेक्स्ट सरसाई है जो लॉन्ग है पर सेगमेंटेड है, तो इसका आंसर क्या है? मे फ्लाई। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, चारों पेपर में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जब अपने बात करते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट दो के अंदर होती है, कॉकरोच में और ग्रास ऑफर में। लेकिन अगर अनसेगमेंटेड है तो वो है ग्रास ऑफर, और अगर बहुत सारे सेगमेंटेड है तो वो है कॉकरोच। लॉन्ग होती है आपकी क्रिकेट में और मे फ्लाई में। अगर मैनी सेगमेंटेड है तो मे फ्लाई और अनसेगमेंटेड है तो क्रिकेट। उसके बाद अपने बात करते हैं पेपर में आता है फोरसेप लाइक सरसाई या फिर अनसेगमेंटेड सरसाई। तो फोरसेप लाइक सरसाई आपकी पाई जाती है मेल ईयर विक्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, ईयर विक्स अपने शिकार को पकड़ने का काम करता है सरसाई से। फिर लास्ट बात करते हैं एसिमेट्रिकल सरसाई। एसिमेट्रिकल सरसाई किस में होती है? मेल एम्बिड्स में। तो इसको एसिमेट्रिकल क्यों बोलते हैं? वैसे सरसाई एक पेयर में होती है, बट इसके अंदर क्या होता है, जो लेफ्ट वाली सरसाई होती है ना मेल एम्बिड्स में, लेफ्ट वाली बड़ी होती है, राइट वाली छोटी होती है। तो जो दोनों सरसाई बड़ी छोटी हो गई तो इसको अपने क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल सरसाई। तो भाई साहब इतने सारे आपके पास एब्डोमिनल अपेंडेजेस हैं, एक छोटी सी लिस्ट बन सकती है। वैसे तो 1 मिनट में याद कर सकते हो। फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मीडियन कोटल फिलामेंट, मे फ्लाई एंड सिल्वर फिश, कोटल ब्रीथिंग ट्यूब, वाटर स्कॉर्पियन, फाइगोस्टाइल स्कोलिड वैस्प, एनल स्टाइली मेल कॉकरोच, एनल हॉर्न स्पिंजिड कैटरपिलर, शॉर्ट एंड अनसेगमेंटेड सरसाई ग्रास होफर, शॉर्ट एंड मैनी सेगमेंटेड सरसाई कॉकरोच, लॉन्ग एंड अनसेगमेंटेड सरसाई क्रिकेट, लॉन्ग एंड मैनी सेगमेंटेड सरसाई मे फ्लाई, फोरसेप लाइक सरसाई ईयर विक्स एंड एसिमेट्रिकल सरसाई आपकी किस में है? मेल एम्बिड्स में है। तो ये सारे के सारे एब्डोमिनल अपेंडेजेस हैं जो डिफरेंट इंसेक्ट्स में मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपने ग्लैंड्स। जब आप इंसेक्ट पढ़ोगे तो इंसेक्ट्स के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, और मैंने यहाँ पे कोशिश की है आपको एक छोटा सा कंपाइलेशन देने की जो आपके बहुत काम आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ग्लैंड्स के बारे में पता चलेगा, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कहीं कौन सी ग्लैंड कहीं लिखी हुई है, कौन सी ग्लैंड कहीं लिखी हुई है। तो मैंने कोशिश की है मैंने यहाँ पे आपको कवर करने की। जो मेरा मेजर प्रश्न यहाँ पे वो है, क्वीन सब्सटेंसेस इन हनी बी इस्क्रीटेड बाय विच ग्लैंड? क्वीन सब्सटेंसेस इन हनी बी इस्क्रीटेड बाय लेबियल, मैंडिबुलर, मैक्सिली और लेब्रम। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया है तो आंसर आपको दिख ही गया होगा, मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो बात करते हैं क्वीन सब्सटेंस होता क्या है। क्वीन सब्सटेंस होता है जो क्वीन को क्वीन बनाने के काम आता है। ओके, यंग वंस को क्वीन बनाने के काम आता है। तो फ्रेंड्स, एक तो मैंडिबुलर ग्लैंड्स है। अब इसके अलावा इंसेक्ट्स में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट काम आती हैं। लेट्स स्टार्ट, क्या क्या है वो। सबसे पहले हमारे पास है लेबियल और ग्लैंड्स, या फिर सेलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। लेबियल, लेबियल है क्या? देखो, इंसेक्ट के अंदर माउथ पार्ट होते हैं, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं मैंडिबल, नीचे वाले को मैक्सिला, फिर होता है एक लेबियम, अपर लिप को बोलते हैं लेब्रम, नीचे वाले लिप को बोलते हैं लेबियम। ठीक है, तो ये मेजर पार्ट है इंसेक्ट के माउथ के, और अंदर क्या होता है? हाइपोफेरिंग्स। तो ऊपर का जबड़ा क्या होता है? मैंडिबल, नीचे का मैक्सिला, ऊपर का होठ लेब्रम, नीचे का होठ लेबियम, और बीच में हाइपोफेरिंग्स। तो मैंने यहाँ पे दिया लेबियल ग्लैंड, जिसको अपने सेलिवरी ग्लैंड भी बोल सकते हैं। तो इनकी जो, देखो, इनका जो काम होता है लेबियल ग्लैंड का, जनरली इसको जब अपने जब उनमें बोल रहे हैं कि ये सेलिवरी ग्लैंड है, तो उसका काम क्या होगा? सिक्रीशन ऑफ सेलाइवा। लेकिन पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है लेबियल ग्लैंड से, वो सिल्क वॉर्म से आता है। सिल्क वॉर्म जो कि सिल्क बनाता है, तो पेपर में आपके क्वेश्चन आएगा कि सिल्क वॉर्म के अंदर जो सिल्क होता है वो कौन सी ग्लैंड बनाती है। तो वो भी आपकी कौन सी ग्लैंड बनाती है, उसको आप क्या बोलोगे? सेलिवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सेलिवरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है? लेबियल ग्लैंड का, सिल्क वर्म के अंदर। तो फ्रेंड मस्ट रिमेम्बर, वैसे तो
लेबियल ग्लैंड का काम है सलाइवा बनाना, लेकिन सिल्क वर्म के अंदर लेबियल ग्लैंड सेलिवरी ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती है जिसका काम है सिल्क बनाना। फिर अपने पास है मैक्सिलरी ग्लैंड। तो मैक्सिलरी ग्लैंड कुछ एक इंसेक्ट्स के अंदर माउथ पार्ट को लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन मतलब बिना फ्रिक्शन से बचाना माउथ पार्ट्स को। तो कोलेम्बोला, प्रोट्यूरा और लार्वा ऑफ न्यूरोटीरा। देखो कोलेम्बोला के अंदर क्या आता है, स्प्रिंग टेल आता है। प्रोट्यूरा के अंदर आपके पास टेल्सन टेल आता है। और लार्वा ऑफ न्यूरोप्टीरा, न्यूरोप्टीरा के अंदर आपके पास ग्रीन लेस विंग फ्लाइज आती हैं। तो लार्वा पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है। तो इन तीनों इंसेक्ट्स के अंदर मैक्सिलरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, लुब्रिकेशन ऑफ माउथ पार्ट्स करती हैं। फिर अपने पास है मैंडिबुलर ग्लैंड्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि हनी बी के अंदर या मधुमक्खी में क्वीन सब्सटेंस कौन बनाता है, वो है मैंडिबुलर ग्लैंड्स। लेकिन इसके काम डिफरेंट डिफरेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे लार्वा ऑफ लेपिडोप्टीरा। लेपिडोप्टीरा ऑर्डर क्या है, इस ऑर्डर के अंदर बटरफ्लाइज, मोथ या फिर स्किपर्स, ये तीन इंसेक्ट्स आते हैं। तो इसके अंदर जो सेलाइवा होती है वो कौन सिक्रेट करती है, मैंडिबुलर ग्लैंड्स। इसीलिए बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ होगे यहाँ पे। लेबियल ग्लैंड सेलिवरी ग्लैंड में कन्वर्ट होकर सिल्क किस में बनाती है, सिल्क वर्म में। लेकिन लेपिडोप्टेरा के लार्वा के अंदर सेलाइवा बनाने का काम किसका है, मैंडिबुलर ग्लैंड्स का है। हनी बी के अंदर मैंडिबुलर ग्लैंड क्या करती है, क्वीन सब्सटेंस का प्रिपरेशन करती है। ठीक है, फिर अपने पास है फ्रंटल ग्लैंड्स। तो फ्रंटल ग्लैंड्स क्या होती है, शोल्डर टर्माइट्स के अंदर होती है। जब आप टर्माइट्स के बारे में पढ़ोगे, जिसको आप दीमक बोलते हो, टर्माइट्स की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर शोल्डर और सोल्जर होते हैं, वर्कर होते हैं। इनके अंदर एक स्नेस्यूट वो होती है, गुंडी सी, जिसको अपने आप चोंच बोल सकते हो। तो ये फ्रॉन्स और क्लाइपियस की बनी होती है। तो फ्रंटल ग्लैंड क्या करती है, टर्माइट्स के अंदर एक सेक्रेशन ऑफ स्टिकी डिफेंसिव फ्लूड, मतलब ये सोल्जर हैं, सोल्जर का मतलब है रक्षा करना। तो ये कॉलोनी की रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि जिनकी फ्रंटल ग्लैंड्स होती है वो एक केमिकल छोड़ती है जो कि टॉक्सिक हो सकता है या हार्मफुल हो सकता है। फिर अपने बात करते हैं वैक्स ग्लैंड। तो वैक्स ग्लैंड आपकी बहुत कॉमन है किसके अंदर, इंटेग्यूमेंट ऑफ हनी बी। जो हनी बी मधुमक्खी है उसका जो बॉडी का आवरण है या बॉडी की त्वचा है, उसके ऊपर जो ग्लैंड्स होती है वो वैक्स ग्लैंड होती है। तो वैक्स ग्लैंड का नाम से ही पता लग रहा है आपको कि इसका काम क्या है, वैक्स को बनाना। या फिर आपने अगर मिली बग देखा होगा, जो वाइट वाइट कलर के छोटे छोटे बग्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैंगो मिली बग, ड्रोसिका मैंजीफेरी, या पिंक मिली बग, पपाया मिली बग, तो उसके अंदर इंटेग्यूमेंट के ऊपर जो ग्लैंड्स होती है वो वैक्स ग्लैंड होती हैं, जो कि वैक्स का सिक्रीशन करती हैं। या फिर नेक्स्ट आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीपग्नेटोरियल ग्लैंड्स। तो रीपग्नेटोरियल ग्लैंड्स किसके अंदर होती है, एब्डोमिनल टर्गा ऑफ इमेच्योर हिटेरोप्टीरा। तो ये रीपग्नोडियल ग्लैंड्स का काम भी होता है डिफेंसिव सब्सटेंसेस को सिक्रेट करना। तो यहाँ से आप एब्डोमिनल टर्गा से एक वर्ड समझ सकते हैं, जो कि ये इंसेक्ट होता है उसके ऊपर टर्गम होती है एब्डोमिन के ऊपर, तो उसके अंदर ये रीपग्नेटोरियल ग्लैंड्स लगी होती है। या फिर अगर आपने देखा होगा सिट्रस बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है उसके अंदर एक ओस्मेटोरिया होता है, वो ओस्मेटोरिया भी रीपग्नेटोरियल ग्लैंड्स के साथ एसोसिएटेड होता है। फिर अपने बात करते हैं पॉइजन ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड का नाम से ही समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या करना है, पॉइजन या फिर इरिटेटिंग फ्लूड्स को छोड़ना है। तो पॉइजन ग्लैंड किस में होती है, सिटे। सिटे मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, किसमें, हेयरी कैटरपिलर के अंदर। या फिर अगर आपने मधुमक्खी और टांटिया, जिसको वैस्प बोलते हैं, उसका स्टिंग देखा होगा, तो उसकी जो स्टिंग ग्लैंड्स होती हैं वो भी पॉइजन ग्लैंड होती हैं, जो कि ओविपोजिटर का मॉडिफिकेशन होती हैं, वहाँ पे ओविपोजिटर के साथ अटैच होती हैं। तो उसका काम क्या होता है, विनम का प्रोडक्शन करना, जिसको अपने जहर बोलते हैं। फिर अपने पास कुछ एक ग्लैंड्स होती है जिसको अपने बोलते हैं अट्रैक्टेंट ग्लैंड्स, जो कि दूसरे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के काम आती है। सबसे पहली इसमें सेंट ग्लैंड। तो सेंट ग्लैंड क्या होती है, स्केल्स ऑफ लेपिडोप्टेरा। अगर आपने बटरफ्लाई या मोथ के पंखों को देखा हो, तो उसके जो पंख के स्केल के अंदर जो ग्लैंड्स होती है उसको बोलते हैं स्केंट ग्लैंड। सेंट ग्लैंड का जो साइंटिफिक नेम वो क्या है, एंड्रोकोनिया। तो ये फिरोमोन का सिक्रीशन करती हैं, या फिर डायरेक्टली आप कह सकते हैं फिरोमोन्स ग्लैंड। तो फिरोमोन्स ग्लैंड्स एब्डोमिन ऑफ लेपिडोप्टेरा के ऊपर होती है पीछे, यह भी फिरोमोन का सिक्रेशन करती है। या फिर आप कह सकते हैं ड्यूफर्स ग्लैंड। ड्यूफर्स ग्लैंड्स होती है एंट्स के अंदर, चींटियों में। तो ये प्रोडक्शन ऑफ ट्रायल मार्किंग फिरोमोन का प्रोडक्शन करती हैं। कभी आप घरों में देखना, एक एक चींटी एक दूसरी चींटी के पीछे चलती है लाइन बना के, एंट्स मूव्स बिहाइंड द एंट्स।
तो इसको क्या बोलते हैं अपने, ट्रेल। तो ये ट्रेल मेकिंग फिरोमोन जो करती है वो कौन करती है, ड्यूफोर्स ग्लैंड करती है। तो फ्रेंड्स ये सब ग्लैंड्स हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लिखी हुई मिलेंगी, इसका मैंने कंपाइलेशन आपको यहाँ पर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट लेग्स से है, तो हम इसके साथ ही लेग्स के टाइप के बारे में जानेंगे। फोसोरियल लेग्स आर सीन इन विच इंसेक्ट। फोसोरियल का मतलब होता है खुदाई करने वाले, ये मिट्टी है, मिट्टी से स्कूप आउट करना है, मिट्टी की खुदाई करनी है, तो इसके लिए कौन से लेग्स होते हैं उसको बोलते हैं फोसोरियल लेग्स। किस इंसेक्ट में होते हैं, ऑप्शन आपके पास हनी बी, मोल क्रिकेट, ग्रास ऑफर, कॉकरोचेस। तो आपका आंसर यहाँ पे है मोल क्रिकेट। तो यहाँ पे जो बाकी इंसेक्ट हैं इनका मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको एक वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, हनी बी के अंदर जो लेग होते हैं उसको बोलते हैं फोराजियल लेग्स। तो ये दोनों स्पेलिंग्स अलग हैं, एक तो फोसोरियल एक फोराजियल, ठीक है। बाकी लेग इंसेक्ट लेग्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंसेक्ट्स के अंदर डिफरेंट लेग्स टाइप। तो सबसे पहला टाइप आपको दिख रहा होगा रनिंग लेग्स। तो कॉकरोच को आपने घरों में देखा होगा, कॉकरोच कैसे भागता है, पतले पतले पैर होते हैं उसके, और कभी आप उसके पीछे पड़ जाते हैं तो वो बहुत ज़ोर से भागता है। तो जो कॉकरोच के भागने के काम आते हैं उसको क्या बोलते हैं अपने, रनिंग लेग्स, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, कर्सोरियल। तो पेपर में कर्सोरियल लिखा होगा। तो कॉकरोच के ऑल सिक्स पेयर ऑफ लेग, हाँ तो पहले ये भी सुन लो लेग्स होते हैं कहाँ पे, और लेग क्या होता है। जब अपने बात करते हैं इंसेक्ट के अंदर तीन पार्ट होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है। थोरेक्स के भी तीन पार्ट होते हैं, जो आगे वाले पार्ट को अपने बोलते हैं प्रोथोरेक्स, बीच वाले को बोलते हैं मेजोथोरेक्स, और लास्ट वाले को बोलते हैं मेटाथोरेक्स। तो एक पेयर लेग होता है प्रोथोरेक्स पे, दूसरा पेयर होता है मेजोथोरेक्स पे, और तीसरा पेयर होता है मेटाथोरेक्स पे। तो इंसेक्ट की बॉडी में सिक्स लेग्स होते हैं, और एक एक पेयर, एक एक पार्ट थोरेक्स के ऊपर होता है, और एक लेग खुद होता है वो पांच पार्ट का बना होता है। अगर पेपर में पूछा जाएगा जो थोरेक्स से जुड़ा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं कोक्सा, मतलब जैसे अपने हाथ की हड्डी कंधे से जुड़ी हुई है, तो जो इंसेक्ट का जो भाग उसकी थोरेक्स से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, कोक्सा। दूसरा पार्ट है जो है फीमर। तो फीमर के बारे में आता है कि इंसेक्ट के लेग का सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, वो है फीमर। फिर थर्ड है टीबिया, चौथा है टार्सस, एंड पांचवा है प्री टार्सस। तो इंसेक्ट का लेग पांच भागों में बटा होता है, कोक्सा, फीमर, कोक्सा, ट्रोकेंटर, सॉरी फ्रेंड, सेकेंड पार्ट होता है ट्रोकेंटर। तो कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस, ये पांच पार्ट होते हैं, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस। टार्सस के आगे क्लासिफिकेशंस होते हैं, जिसको प्री टार्सस भी आता है, किसी किसी इंसेक्ट्स में टार्सोमियर्स भी आते हैं, किसी किसी इंसेक्ट्स में बेसी टार्सस भी आता है। लेकिन आपको पांच मेजर पार्ट क्या याद रखने हैं, पहला कोक्सा, दूसरा ट्रोकेंटर, तीसरा फीमर, चौथा टीबिया, एंड पाँचवा टार्सस। तो ये कॉमन स्ट्रक्चर होती है इंसेक्ट के लेग की। अब इनके अंदर कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसके बेस पे हमने इंसेक्ट्स के लेग्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो सबसे पहला लेग टाइप जो मैंने आपको बताया वो क्या है, रनिंग लेग या फिर कर्सोरियल लेग, जो कि आपका कॉकरोच के अंदर होता है। सेकंड लेग टाइप आपका क्या है, जंपिंग लेग या साल्टाटोरियल लेग। जंपिंग लेग मतलब कभी आपने घरों में ग्रास ऑफर को या फिर लोकस्ट को देखा होगा, तो आप उसके पास जाते हैं तो वो जंप करके दूसरी जगह बैठ जाता है। तो जंप करने के लिए उसके जो हिंड लेग होते हैं, जो कि मेटाथोरेक्स पे होते हैं, सबसे तीसरे पोर्शन पे वो होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, साल्टाटोरियल। साल्टाटोरियल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है जंप करना। तो ग्रास ऑफर के जो तीसरे लेग्स या फिर अपने बोल सकते हैं हिंड लेग्स, वो कौन से होते हैं, जंपिंग लेग्स होते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा जब पिछले वाले जंपिंग लेग है तो आगे वाले क्या काम के हैं। तो फ्रेंड्स आगे वाले लेग्स सिर्फ चलने के काम आते हैं, उसको बोलते हैं अपने एम्बुलेटोरियल लेग्स। तो ग्रास ऑफर के अंदर दो तरह के लेग्स होते हैं, फोर लेग्स और मिड लेग्स, जो बीच के दोनों लेग्स हैं फर्स्ट और सेकंड पेयर, वो होते हैं एम्बुलेटोरियल, एम्बुलेंस या फिर वॉकिंग लेग। और पीछे वाले जो लेग होते हैं वो जंप करने के काम आते हैं, उसको बोलते हैं साल्टाटोरियल लेग्स। फिर अपने बात करते हैं रेप्टोरियल लेग्स। रेप्टोरियल मतलब रेप्टा मारना, कैसे, अगर आपने प्रेइंग मेंटिस देखा होगा तो उसके आगे वाले लेग्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि अपना शिकार पकड़ते हैं उससे। तो रेप्टोरियल मतलब शिकार पकड़ने के लिए जो लेग्स काम आते हैं उसको बोलते हैं रेप्टोरियल लेग्स। तो ये रेप्टोरियल लेग्स क्या होते हैं, फोर लेग्स ऑफ प्रेइंग मेंटिस। तो प्रेइंग मेंटिस के जो आगे का लेग का पेयर होता है उसको बोलते हैं अपने रेप्टोरियल लेग्स। फिर जो नेक्स्ट लेग है आपका डिगिंग, बरोइंग और फोसोरियल लेग्स, जो आपको मैंने क्वेश्चन में पूछा था फोसोरियल लेग्स किस में होते हैं, जो मोल क्रिकेट के आगे के लेग होते हैं फोर लेग्स, जिससे वो खड्डा खोदता है।
तो उसको बोलते हैं फोसोरियल या फिर बर्रोइंग, बर्रोइंग का मतलब भी खोदना होता है, या फिर डिगिंग लेग्स। अब बात करते हैं नेटाटोरियल और स्विमिंग लेग्स। नेटाटोरियल एक वर्ड बना है नेटाटोरियम से। नेटाटोरियम को यूरोपियन कंट्रीज के अंदर स्विमिंग पूल को नेटाटोरियम बोलते हैं। जैसे अपना ऑडिटोरियम होता है जहाँ पे जनता बैठती है, उसी तरह आपका नेटाटोरियम होता है जहाँ पे स्विमिंग की जाती है, उसको स्विमिंग पूल को नेटाटोरियम बोलते हैं। तो उस नेटाटोरियम वर्ड से ही नेटाटोरियल लेग्स बड़ा है, जिसका मतलब होता है स्विमिंग लेग्स। तो जनरली ये हिंड लेग्स होते हैं पीछे वाले, किसके अंदर, वाटर बग और वाटर बिटल के अंदर, ठीक है। फिर अपने पास है क्लिंगिंग लेग। क्लिंगिंग लेग मतलब आपके बालों में अगर जू, जिसको अपने हेड लाउस बोलते हैं, अगर हेड लाउस का इन्फेस्टेशन हुआ है तो वो बालों में चिपकती है, तो चिपकने के जो लेग्स काम आते हैं उसको क्लिंगिंग या स्कैंसोरियल लेग्स बोलते हैं, जो कि हेड लाउस के अंदर होता है। और लास्ट में आपको मैंने बताया था हनी बी लेग्स। हनी बी के लेग्स को बोलते हैं फोरेजियल लेग्स। उसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, पर आपको याद रखना है कि हनी बी के लेग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपने बोलते हैं पोलन बास्केट। तो ये पोलन बास्केट हनी बी के कौन से लेग्स पे होती है, होते हैं हिंड लेग्स। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेग्स हैं, और पेपर में जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, आपको एक चीज़ याद रखनी है। जनरली पेपर में पूछ जाते हैं लेग्स टाइप के बारे में, एंटीना टाइप के बारे में, माउथ पार्ट्स के टाइप के बारे में, विंग्स के टाइप के बारे में, और विंग्स कपलिंग मैकेनिज्म के बारे में, और कुछ एक स्ट्रक्चर्स या मेटामॉर्फोसिस। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं इंसेक्ट से रिलेटेड जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनिलीफॉर्म एंटीना। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मोनिलीफॉर्म एंटीना के बारे में बहुत एग्ज़ाम में आता है। मोनिलीफॉर्म एंटीना कौन से इंसेक्ट में दिखता है? तो आपके पास ऑप्शन है टर्माइट्स, ग्रास ऑफर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई। मोनिलीफॉर्म का मतलब होता है मन के जैसा, हिंदी में लिखा हुआ है मन के जैसा। एंटीना किसमें पता है? मन का मतलब आप जो मोतियों की माला पहनते हो उसको बोलते हैं मन का। तो इसको बोलते हैं अपने बीडेड एंटीना। बीडेड मतलब छोटे छोटे बीड्स होते हैं, ठीक है। ये एंटीना किस में मिलता है? तो आपके इस प्रश्न का उत्तर है ये एंटीना आपका टर्माइट्स के अंदर पाया जाता है। तो बाकी के अंदर जो ऑप्शन है आपके पास, तो उनमें भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो क्या होगा आओ जानते हैं उनके बारे में। इंसेक्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीना आते हैं, और जो कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एंटोमोलॉजी से एग्जाम में आने लायक, कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं शिटेसियस एंटीना। शिटेसियस एंटीना नाम से दिख रहा है, सिटे लाइक या हेयर लाइक एंटीना जो कि इस पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा है। ये एंटीना आपका ड्रैगन फ्लाई में होता है या फिर लीफ ऑफर में होता है, एक सिटे लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर अपने बात करते हैं फिलीफॉर्म एंटीना। फिलीफॉर्म एंटीना का मतलब होता है थ्रेड लाइक। थ्रेड मतलब धागे की तरह दिखने वाला। तो इस पिक्चर में आप फिलीफॉर्म एंटीना कहीं देख पा रहे हैं? इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है फिलीफॉर्म एंटीना कॉकरोच और ग्रास ऑफर के अंदर होता है। तीसरा प्रश्न जो आपको मैंने पूछा था मोनिलीफॉर्म एंटीना। मोनिलीफॉर्म मतलब मनके की तरह दिखने वाला। ये आपका टर्माइट में होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मोतियों की तरह दिखने वाला, बीडेड। फिर आपके पास जो नेक्स्ट एंटीना है वो सेरेट एंटीना है। सेरेट एंटीना को बोलते हैं सो लाइक। सो मतलब आपकी जो दाती होती है ना चावल काटने वाली या हार्वेस्टिंग वाली, तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो ये आरी की तरह दिख रहा होगा सेरेट एंटीना, जिसको बोलते हैं सा लाइक। ये आपका क्लिक बिटल में भी होता है, सौ बिटल में भी होता है। फिर आपके पास है पैक्टिनेट एंटीना। तो पैक्टिनेट एंटीना होता है जो आपका सिल्क वॉर्म मॉथ के अंदर होता है। तो ये आपको यहाँ पे पैक्टिनेट एंटीना का दिख रहा होगा, ठीक है। फिर आपके पास क्लेवेट एंटीना होता है। क्लेवेट एंटीना को बोलते हैं क्लब शेप एंटीना, क्लब, CLUB, क्लब, ठीक है। तो जो क्लेवेट एंटीना के अंदर ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्लब शेप होता है। ये क्लेवेट एंटीना आपके बहुत ही फेमस इंसेक्ट्स में होता है, जिसको अपने बोलते हैं ब्लिस्टर बिट्टल। और फ्रेंड्स, ब्लिस्टर बिट्टल के बारे में आपको याद रखना है कि जो ब्लिस्टर बिट्टल के यंग स्टेजेस होती हैं वो तो अपने काम की होती हैं, मतलब प्रिडेटर होती हैं, जबकि जो अडल्ट ब्लिस्टर बिट्टल होता है वो अपने लिए पेस्ट होता है, मतलब वो फसलों पे खाता है। यंग वन तो काम की हैं क्योंकि वो अदर दूसरे कीड़ों पर खाती हैं जो कि अपने को हेल्प करती हैं, एज ए बेनिफिशियल इंसेक्ट काम करती है। यंग स्टेजेस, यंग स्टेजेस बिट्टल की क्या होती हैं? ग्रब। और अडल्ट स्टेजेस पेस्ट होती हैं। फिर नेक्स्ट कैप जो नेक्स्ट जो आपके पास है कैपिटेट। तो कैपिटेट तरह का जो एंटीना होता है वो यहाँ पे आपको एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है रेड फ्लोर बिटल, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बटरफ्लाइज में होता है। रिमेंबर ऑलवेज कैपिटेट बहुत कॉमन है बटरफ्लाई के अंदर।
फिर आपके पास है लैमलेट बेंटिना, लैमलेट लाइक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, तो ये आपको ऊपर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी। तो जो लैमलेट होता है आपका डंग रोलर होता है, जिसको अपने साइंटिफिकली लैमेलिकॉर्न बीटल भी बोलते हैं। फिर आपके पास जेनेटिक जेनिकुलेट एंटीना है, जेनिकुलेट का मतलब एल्बो शेप, ये वाला एंटीना मतलब आपके हाथ की कोणी के जैसा एंटीना, उसको बोलते हैं जेनिकुलेट। और जेनिकुलेट बहुत इंपॉर्टेंट एंटीना है टर्माइट की तरह, जो पेपर में आता है, क्योंकि ये हनी बी के अंदर होता है। जब अपने मॉस्किटो की बात करते हैं तो मॉस्किटो में दो तरह के एंटीना होते हैं, मेल मॉस्किटो में अंदर प्लूमोस होता है और फीमेल में पाइलोस होता है, और पेपर में बार बार आता है और लोग गलत करते हैं। तो एम से याद रखना कि प्लूमोस के अंदर एम आ रहा है तो वहाँ पे मेल मॉस्किटो, और पाइलोस में फीमेल मॉस्किटो में। फिर आपके पास हाउस फ्लाई है, उसके अंदर एरिस्टेट होता है, एरिस्टेट एंटीना जो आपका पहले वाला, जिसके ऊपर एक हेयर लाइक ब्रिसल होता है ऊपर, और लास्ट में स्टाइलेट जो कि रोबर फ्लाई में होता है। अगर कोई मेरे से पूछे कि इस लिस्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिए याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स इन सारों के अंदर भी अगर आपको चॉइस देनी है कि मुझे यही याद रखने हैं, तो आपके पास चॉइस क्या होगी? सबसे पहले मोनिलीफॉर्म एंटीना जो कि आपका टर्माइट में है, फिर आपके पास जेनिकुलेट है जो कि आपके पास हनी बी में है, फिर आपके पास प्लूमोस एंड पाइलोस है जो कि आपके मेल मॉस्किटो और फीमेल मॉस्किटो में है, फिर आपके पास एरिस्टेट है जो कि आपका हाउसफ्लाई में है, और आपके पास कैपिटेट जो आपकी बटरफ्लाई में है। तो कैपिटेट, एरिस्टेट, मोनिलीफॉर्म, पाइलोस, प्लूमोस और मोनिलीफॉर्म, इन सब के बारे में आपको याद रखना है एग्जाम्पल। और कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एंटीना से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने पर्पज़फुली ये क्वेश्चन इस स्लाइड के अंदर डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगमिना विंग्स आर सीन इन विच इंसेक्ट। तो अपने जब विंग्स के बारे में बात करेंगे तो इंसेक्ट्स में बहुत डिफरेंट टाइप्स के विंग होते हैं, तो उसके अंदर मैंने आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो कौन सा है? टैगमिना। और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रास ऑफर, बीटल्स, विविल्स एंड हिटेरोटीरन बग्स। तो फ्रेंड डायरेक्टली बात करते हैं, टैगमिना आपके ग्रास ऑफर में होते हैं। आओ विंग्स के बारे में बात करें। विंग्स से भी पेपर में आपके एक प्रश्न आता है, जब अपने बात करते हैं टैगमिना विंग्स, तो टैगमिना विंग्स, तो आप इस पिक्चर में आगे वाले विंग देखें जिसको बोलेंगे फोर विंग्स, तो आपका जो ग्रास ऑफर है ना उसके जो फोर विंग्स होते हैं वो टैगमिना होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा का मतलब होता है हार्ड विंग, पूरे के पूरे हार्ड चमकने वाले विंग्स, तो ये आप बिटल्स में देखेंगे इलेक्ट्रा होता है जो आगे वाले विंग्स होते हैं। तो अपने बात करेंगे फोर विंग्स ऑफ ग्रास ऑफर वो क्या होते हैं? टैगमिना। फोर विंग्स ऑफ बिटल्स या जिसको विविल बोलते हैं, बिटल्स और विविल आपके बहुत ही फेमस ऑर्डर में आते हैं, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर है, वो कौन सा है? कोलियोप्टेरा। तो कोलियोप्टेरा के अंदर आपके बिटल और विविल आते हैं, उसके जो विंग्स टाइप होते हैं फोर विंग्स, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा के बाद थर्ड विंग टाइप है जिसको बोलते हैं हेमी इलेक्ट्रा। तो हेमी इलेक्ट्रा के अंदर क्या होता है? आधा इलेक्ट्रा और आधा मेम्ब्रेनस। तो मतलब आधा विंग तो होता है इसका हार्ड लेदर लाइक और आधा होता है सॉफ्ट। तो हेमी इलेक्ट्रा आपका होता है फोर विंग्स ऑफ हिटेरोटीरन बग्स। हिटेरोटीरन बग्स आपको वर्ड याद रखना है, क्योंकि बग जिस ऑर्डर में आते हैं उसको बोलते हैं हेमीटीरा। हेमीटीरा एक ऑर्डर जिसके अंदर बग्स, वाइट फ्लाई, एफिड, मिली बग्स, ये सारे इंसेक्ट आते हैं। और इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक को बांटा गया हिटेरोटीरा में और एक को बांटा है होमोटीरा में। तो हेमी इलेक्ट्रा हिटेरोटीरन बग्स के अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं। चौथा विंग टाइप है जिसको बोलते हैं अपने हाल्टियर, या फिर कॉमनली वी कैन से बैलेंसर, क्योंकि हाल्टियर जो विंग्स होते हैं वो बैलेंसिंग के काम आते हैं जब इंसेक्ट हवा के अंदर फ्लाई करता है। तो हाल्टियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। क्या है? हिंड विंग्स हैं, नॉट फोर विंग्स। अभी तक अपने तीन विंग टाइप पढ़े, टैगमिना, इलेक्ट्रा एंड हेमी इलेक्ट्रा, ये तीनों फोर विंग्स के टाइप हैं। फोर विंग्स ऑफ ग्रास ऑफर टैगमिना, फोर विंग्स ऑफ बिटल्स एंड विल्स आर द इलेक्ट्रा, एंड फोर विंग्स ऑफ हिटेरोटीरन बग्स क्या? हेमी इलेक्ट्रा। जब हाल्टियर्स और बैलेंसर के बारे में बात करते हैं तो ये हिंड विंग्स होते हैं। किसके होते हैं? ट्रू फ्लाइज, जो कि डिप्टेरा ऑर्डर में आती है। डिप्टेरा ऑर्डर को अपने बोलते हैं ट्रू फ्लाइज, या फिर मॉस्किटो, वो भी डिप्टेरा में आते हैं, या फिर मेल स्केल इंसेक्ट्स। तो इनके अंदर हाल्टियर्स होते हैं जो कि हिंड विंग्स का मॉडिफिकेशन होता है। फिर अपने बात करते हैं स्केली विंग्स। स्केली विंग्स आपके बटरफ्लाई और मोथ्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आपका बटरफ्लाई मोथ के जो विंग्स है उसको बोलते हैं स्केली विंग्स। फिर आपके पास है मेम्ब्रेनस विंग्स। तो फ्रेंड एक चीज़ याद रखना
जहाँ मैं बोल रहा हूँ फोर विंग्स, जैसे टेगमीना फोर विंग्स है, इलेक्ट्रा फोर विंग्स है, हेमी इलेक्ट्रा फोर विंग्स है, तो उनमें जो पीछे वाले विंग्स बचे जिसको बोलते हैं हिंड विंग्स, तो वो सारे मेम्ब्रेनस होंगे। उसी तरह हाल्टियर जैसे हिंड विंग है तो फोर विंग्स क्या होंगे, मेम्ब्रेनस। तो हिंड विंग्स ऑफ कॉकरोच और ग्रास ऑफर क्या है, मेम्ब्रेनस होते हैं। एक इसके अंदर एग्जाम्पल छूट गया है जिसको अपने बोलते हैं फ्रिंज विंग्स, जो यहाँ पे पिक्चर दिए मैंने, तो फ्रिंज विंग्स होते हैं हेयरी विंग्स, ये होते हैं आपके थ्रिप्स के अंदर, ठीक है। तो याद रखना फ्रिंज विंग्स, फ्रिंज FRINJE, तो ये आपके थ्रिप्स में होते हैं। और आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने और दिए, जैसे यहाँ पे ये काला काला स्पॉट्स है, एक्चुअली ये कौन सा इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है ड्रैगन फ्लाई और डेम्सल फ्लाई ना, तो इनके विंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है काला स्पॉट, तो उसको बोलते हैं टीरोस्टिग्मा। तो अगर आपको पेपर में पूछेगा टीरोस्टिग्मा एक डार्क कलर स्पॉट्स है विंग के ऊपर, ये किस में होता है, ड्रैगन फ्लाई के अंदर होता है। तो फ्रेंड आपको विंग्स के टाइप याद रखने हैं, टेगमिना, इलेक्ट्रा, हेमी इलेक्ट्रा, मेम्ब्रेनस, फ्रिंज एंड स्केली विंग्स एंड हाल्टियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विंग से ही रिलेटेड है। जब विंग है तो विंग क्या काम आते हैं, उड़ने के या फिर कपलिंग के। तो मैंने यहाँ पे विंग कपलिंग मैकेनिज्म पूछी है किस इंसेक्ट्स की, एम्प्लेक्सी फॉर्म टाइप ऑफ विंग कपलिंग मैकेनिज्म इज सीन इन विच इंसेक्ट। तो एम्प्लेक्सी फॉर्म विंग कपलिंग मैकेनिज्म जनरली सीन इन हनी बीज, बटरफ्लाइज, फ्रूट सकिंग मॉथ और हैपेलिड मॉथ। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है, बटरफ्लाइज। और पेपर में बहुत बार डायरेक्टली आता है कि एम्प्लेक्सी फॉर्म विंग कपलिंग मैकेनिज्म किस इंसेक्ट में पाई जाती है, आपका उत्तर क्या है, बटरफ्लाइज। तो बाकियों में क्या होता है, लेट्स सी। देखो हमारे पास क्या होता है, पहले विंग कपलिंग मैकेनिज्म को समझना है। विंग कपलिंग मैकेनिज्म क्या होते हैं, विंग्स के आपस में एसोसिएशन है जो इंसेक्ट्स को उड़ने में काम आती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अपने ड्रैगन फ्लाई और डेम्सल फ्लाई की, जो आपके ओडोनेटा ऑर्डर में आती है। इस ऑर्डर के अंदर विंग कपलिंग मैकेनिज्म एबसेंट होती है। तो फ्रेंड याद रखना है कि विंग कपलिंग मैकेनिज्म एबसेंट किस में है, ओडोनेटा में। मतलब क्या है, इनके विंग्स में कोई एसोसिएशन नहीं है, दोनों विंग्स फ्री होते हैं, आपस में उड़ने के काम आएंगे। इसी तरह विंग कपलिंग मैकेनिज्म आइसोप्टेरा ऑर्डर के अंदर टर्माइट्स में भी एबसेंट होती है। तो ओडोनेटा में आपके पास ड्रैगन फ्लाई, डेम्सल फ्लाई आता है, टर्माइट्स आपके पास आइसोप्टेरा में आता है। तो इन सब के अंदर विंग कपलिंग मैकेनिज्म नहीं होती। जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट हेमुलेट, हेमुलेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म, इसके अंदर क्या होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो दोनों विंग को आपस में अटैच कर देती हैं। तो हेमुलेट से याद रखना है हनी बी या फिर हाउस फ्लाई, डिप्टेरा हनी बी के अंदर हेमुलेट होती है। एम्प्लेक्सी फॉर्म मैंने आपको प्रश्न में पूछा था किसमें होती है, बटरफ्लाई के अंदर। फिर एक होती है फ्रीनेट, तो फ्रीनेट ये फ्रीनेट का टाइप का है जिसको बोलते हैं फ्रूट सकिंग मोथ के अंदर, फ्रीनेट टाइप ऑफ विंग कपलिंग मैकेनिज्म होती है। और लास्ट बची जो आपके पास है जुगेट, तो जुगेट होती है आपकी हैपेलिड हैपिलियड मोथ के अंदर होती है आपके पास जुगेट, ठीक है। तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है वो कौन सी है, एम्प्लेक्सी फॉर्म बटरफ्लाइज के लिए, और सेकेंड इंपॉर्टेंट है हेमुलेट जो आपकी हनी बी के लिए। बाकी आप याद रखो चाहे ना रखो, बट टू एग्जाम्पल्स आर मोर देयर। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू मेटामोरफोसिस। मेटामोरफोसिस क्या होता है कि जब एक इंसेक्ट एग से अडल्ट बनता है तो उसकी बॉडी के अंदर जितने भी मोर्फोलॉजी में चेंज आते हैं उसको बोलते हैं मेटामोरफोसिस। तो मेटामोरफोसिस में जो सबसे पहला प्रश्न है, ए मेटाबोला, ए मेटाबोला किसके अंदर पाई जाती है। ए मेटाबोला का मतलब मेटामोरफोसिस एबसेंट है, मेटामोरफोसिस है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको मैंने कॉम्बिनेशन दिए हैं, पहला है सिल्वर फिश, दूसरा है ड्रैगन फ्लाई, डेम्सल फ्लाई और मे फ्लाई, थर्ड है कॉकरोच, ग्रास ऑफर एंड बग्स, और चौथा ऑप्शन है बटरफ्लाई, मोथ और फ्लाइज और बीज। तो फ्रेंड्स जो ए मेटाबोला होती है एबसेंट होती है वो किस में होती है, सिल्वर फिश में, जो कि टाइसन न्यूरल ऑर्डर में आती है। तो बात करते हैं क्या क्या होती हैं ए मेटाबोला और मतलब होता क्या है। देखो सबसे पहले अपने बात करेंगे ए मेटाबोला की। तो ए मेटाबोला के अंदर क्या होता है, एग्स के बाद यंग वंस और अडल्ट सेम दिखते हैं, सिर्फ फ़र्क क्या होता है साइज़ का। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो छोटा इंसेक्ट बड़ा इंसेक्ट, सिर्फ साइज़ और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसके अंदर जनरली मतलब क्या है, एक बार एग से इंसेक्ट बाहर आ गया तो वो सेम ही दिखेगा, बस साइज़ का फ़र्क होगा। तो ये ए मेटाबोला है, ये किस में होती है, सिल्वर फिश के अंदर या फिर टाइसेन्यूरा ऑर्डर में होती है। फिर अपने पास है सेकंड इम्पोर्टेंट, इसको बोलते हैं हेमी मेटाबोला, ठीक है। हेमी मेटाबोला के अंदर क्या होता है, एग के बाद एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं नायड, ये एक्वाटिक होते हैं। देखो हेमी मेटाबोला और ग्रेजुअल मेटामोरफोसिस को अपने पोरो मेटाबोला भी बोलते हैं,
ठीक है, तो हेमी और पोरो दोनों इनकम्प्लीट मतलब आधी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। सिर्फ फर्क कितना है, जो हेमी मेटाबोला होती है एग के बाद जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं नायड्स। नायड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने गौर किया हो कभी ड्रैगन फ्लाई, डेम्सल फ्लाई, मे फ्लाई या डे फ्लाई, इन सब के जो यंग वंस होते हैं वो पानी में रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना एक क्वेश्चन के अंदर, एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स मीडियन फिलामेंट किस में होता है, नायड्स ऑफ मे फ्लाई में होता है, सिल्वर फिश में होता है। तो इन सब के यंग वंस होते हैं एक्वाटिक, तो ये एग नायड और अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, जो कि हेमी मेटाबोला का एग्जाम्पल है। जब अपने पोरो मेटाबोला की बात करते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, इसके अंदर एग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसको निम्फ बोलते हैं। तो बहुत कॉमन फ़र्क है बस इसके अंदर, एक छोटा सा फ़र्क क्या है, हेमी मेटाबोला और फिर पोरो मेटाबोला। पोरो को ग्रेजुअल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके हेमी मेटाबोला में एग के बाद नायड्स आते हैं और पोरो मेटाबोला में एग्स के बाद निम्फ आते हैं। ये पूरा का नायड्स एक्वाटिक लाइफ स्टाइल होता है, जबकि निम्फ का टेरेस्ट्रियल लाइफ स्टाइल होता है, मतलब पानी में नहीं होते, ये बाहर ही होते हैं, ठीक है। जबकि दोनों की दोनों मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट है। तो दोनों में तीन स्टेजेस हैं, क्या स्टेज हैं, एग नायड एडल्ट और इसके अंदर ग्रेजुअल या पोरो में एग निम्फ एडल्ट। जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस चौथा टाइप है उसके अंदर चार स्टेजेस पूरी होती हैं। पहला होता है एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली आता है कि मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या क्या होना चाहिए। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में एग भी होना चाहिए, उसमें लार्वा भी होना चाहिए, उसमें प्यूपा भी होना चाहिए और उसमें अडल्ट भी होना चाहिए। अगर पेपर में दे देगा एग निम्फ अडल्ट, तो एग निम्फ अडल्ट जो कि आपकी ग्रास ऑफर और कॉकरोच में होती है, जो आपकी ये किस में है, ग्रास ऑफर और कॉकरोच, इसको बोलते हैं पोरो मेटाबोला एंड ग्रेजुअल मेटाबोला। तो इसके अंदर एक निम्फ एडल्ट होता है, जैसे घरों में आपने कॉकरोच के छोटे बच्चे देखे होंगे, छोटे भी बड़े वैसे ही दिखते हैं, बड़े भी वैसे दिखते हैं, फ़र्क होता है साइज़ के अंदर और रिप्रोडक्शन सिस्टम के डेवलपमेंट में। लेकिन अगर आप बात करोगे ओडोनेटा जिसके अंदर ड्रैगन फ्लाई, डेम्सल फ्लाई आती है, या फिर एफीमेरोप्टेरा जिसके अंदर मे फ्लाई और डे फ्लाई आती है, तो उसके अंदर क्या होती है, हेमी मेटाबोला। और कंप्लीट मेटाबोला आपके बहुत सारे ऑर्डर में होती है, जैसे कि कोलियोप्टेरा, इसके अंदर आपके पास एग, ग्रब, प्यूपा, अडल्ट आते हैं, जैसे बिट्टल और विविल्स में। फिर लेपिडोप्टेरा के अंदर भी होती है, न्यूरोप्टेरा के अंदर भी होती है और बहुत सारे अदर ऑर्डर्स में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो क्वेश्चन है एग्स से रिलेटेड, स्कल्पचर एग्स आर प्रोड्यूस बाय विच इंसेक्ट। स्कल्पचर का मतलब क्या होता है, ऑर्नामेंटल एग्स, मतलब एग्स के ऊपर डिजाइन होता है, ठीक है। तो ये एग्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ऑप्शन है सिट्रस बटरफ्लाई, कैस्टर बटरफ्लाई, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई। लेट्स सी, तो आंसर इसका कैस्टर बटरफ्लाई है। तो इसके अलावा बहुत सारे एग टाइप होते हैं इंसेक्ट्स के, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने अगली स्लाइड में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इलोंगेट एग। इलोंगेट एग होता है, लंबा सा एग होता है, तो शोरगम शूट फ्लाई है, बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है शोरगम का, पेपर में इसका नाम आता है बहुत बार। तो शोरगम शूट फ्लाई का जो एग होता है वो इलोंगेट एग होता है, ठीक है। सिट्रस बटरफ्लाई, सिट्रस बटरफ्लाई का जो एग होता है बिल्कुल राउंड होता है, तो राउंडिश एग। नीट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है ये टर्म। जो नीट एग होता है वो आपके अगर बालों में जूं के जो अंडे होते हैं उसको बोलते हैं नीट, जो कि बाल से नीचे से जुड़े होते हैं। फिर होता है एग विद फ्लोट। एग विद फ्लोट मतलब एग के अंदर फ्लोटिंग एपरेटस होता है। तो आपने ये मॉस्किटो के बारे में पढ़ा होगा, एनाफ्लीज मॉस्किटो, बहुत ही खतरनाक मच्छर है, तो इसका जो एग होता है वो उसको बोलते हैं एग विद फ्लोट, ये पानी में फ्लोट करता है। फिर उसके बाद है पेडिसिलेट एग्स। पेडिसिलेट एग्स क्या होता है, पहले एक फिलामेंट होता है और फिलामेंट के ऊपर एग होता है, तो ये जो एग बनाती है वो है ग्रीन लेसविंग फ्लाई। ग्रीन लेसविंग फ्लाई आपके न्यूरोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आती है। फिर नेक्स्ट है बैरल शेप एग। बैरल शेप जैसे आपकी जो बैटरियाँ होती हैं फ़ोन की, उसकी तरह ये एग्स दिखते हैं और ये आपका बनाता है स्टिंक बग। स्टिंक बग स्टिकी मटेरियल प्रोड्यूस करता है जो कि बदबू मारता है, तो आपको याद रखना है बैरल शेप एग्स आर प्रोड्यूस बाय स्टिंक बग्स। उथिका, उथिका एक पैकेट होता है एग्स का छोटा सा, तो ये कॉकरोच बनाता है, आपको याद रखना होगा उथिका किसके एग्स हैं, कॉकरोच के। फिर एग पोड, तो ग्रास ऊपर क्या करते हैं, बहुत सारे एग इकट्ठे कर देते हैं, एक फोमी मटेरियल के अंदर डाल देते हैं, वो चिपक जाते हैं आपस में, तो उसको बोलते हैं एग पोड। एग केस के बारे में टर्म आएगी तो वो है मेंटिड्स, तो एग केस कौन बनाता है, मेंटिड्स। एग मास कौन बनाता है, बहुत सारे मोथ्स बनाते हैं और सिल्क वॉर्म भी बनाता है, सिल्क वॉर्म, तो ये एग मास बनाते हैं। और लास्ट क्या है, एग राफ्ट।
तो एग ग्राफ्ट भी आपका एक अदर मॉस्किटो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने अगर कभी पढ़ा होगा हाथी पांव रोग या फिर एलिफेंटा डिसीज़, तो एलिफेंटा डिसीज़ जो स्प्रेड करता है उसको बोलते हैं क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या बनाता है? एग ग्राफ्ट। तो फ्रेंड इसके अंदर ना आपको एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। उथिका का मतलब उथिका कॉकरोच, एग पोड का मतलब एग पोड ग्रास ऑफर, एग मास का मतलब बहुत सारे मॉथ्स, राइस टेम्बोरर जो बटरफ्लाई ऑर्डर में आते हैं, एग ग्राफ्ट को बनाता है क्यूलेक्स मॉस्किटो, एग विद फ्लोट एनाफिलीज मॉस्किटो, नीट हेडलाउस, राउंडेड एग सिट्रस बटरफ्लाई, एलोंगेट एग शोरगम शूट फ्लाई। तो सारे के सारे आपको ये डिफरेंट नेम याद रखने हैं। नेक्स्ट इन क्वेश्चन आपका, विच टाइप ऑफ ए पोडस लार्वी इज सीन इन हाउस फ्लाई? देखो हाउस फ्लाई आपकी घरों में होती है, उसके लार्वा क्या बोलते हैं अपने? मैगट। ठीक है, हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगट बोलते हैं। इसके अंदर कौन से लेग्स होते हैं लार्वा में पूछ रहा है? एसीफेलस, हेमिसीफेलस, यूसीफेलस, तीन ऑप्शन है। तो आंसर आपका क्या है? एसीफेलस। अगर आपने देखा हो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ये वाला, ये एसीफेलस मैगट का लार्वा है हाउस फ्लाई का। तो बाकी तीन ऑप्शन के यूसीफेलस, सीफेलस का मतलब होता है थोड़ा बहुत जो सिर का भाग होता है ना वो दिखता है, जैसे कि आपको ये इसमें दिख रहा है, ये मॉस्किटो का लार्वा है पानी के अंदर होता है, या फिर ये रेड पाम विविल का लार्वा है इसके अंदर भी थोड़ा सा आपको हेड दिख रहा होगा। तो ये यूसीफेलस टाइप है मॉस्किटो के लार्वा, फ्रेंड याद रखना, रेगुलर बोलते हैं, हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगट बोलते हैं, बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं, बिट्टल्स के यंग वंस को ग्रब बोलते हैं, ग्रास ऑफर कॉकरोच के यंग्स को निम्फ बोलते हैं, और डेम्सल फ्लाई ड्रैगन फ्लाई के यंग्स को नायट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी दी हुई है। मॉस्किटो के लार्वा को तो रेगुलर बोलते हैं, लेकिन अगर मॉस्किटो के प्यूपा के बारे में पूछेंगे तो उसको बोलते हैं टम्बलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं, लेकिन बटरफ्लाई के प्यूपा को बोलते हैं क्राइसेलिस। तो टम्बलर और क्राइसेलिस ये दोनों प्यूपा के टाइप हैं, टम्बलर प्यूपा है मॉस्किटो का, क्राइसेलिस प्यूपा है बटरफ्लाई का। तो ये आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं। फिर अपने बात करते हैं हेमिसीफेलस हेड, जो कि ये वाली फोटो है। हेमिसीफेलस हेड होता है लार्वा ऑफ हॉर्स फ्लाई और लार्वा ऑफ रोबर फ्लाई के अंदर। ठीक है, तो ये तीन टाइप हैं यहाँ पे जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, कभी ना कभी एक कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट आ ही जाता है, जैसे कि NBAIR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट रिसोर्सेज, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये भाई साहब बेंगलोर में, और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, अगर आपको मौका मिले तो जाके देख के आइए। मैंने यहाँ पे तीन और ऑप्शन डाले हैं, न्यू दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम। तो इन तीनों के अंदर भी एंटोमोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं, लेट्स चेक क्या है। सबसे पहला है NIPHM, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। सो प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट है वो है हैदराबाद के अंदर। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट है IPFT, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मूलेशन एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे पेस्टिसाइड फॉर्मूलेशन के बारे में स्टडी होती है, ये आपका गुरुग्राम या फिर गुड़गांव हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। थर्ड आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, DPPQS का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो DPPQS क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। तो इसका हेडक्वार्टर आपका फरीदाबाद में है, फरीदाबाद भी आपका हरियाणा स्टेट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCIPM, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो NCIPM का हेडक्वार्टर भी आपका न्यू दिल्ली के अंदर है। और लास्ट इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च आपका लखनऊ के अंदर है। तो आपको ये इंस्टीट्यूट की लोकेशंस याद रखनी है, पेपर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं वीट सीड गाल डिसीज इज कॉज्ड बाय, वीट के अंदर जो सीड का गाल में चेंज होना ये किस निमेटोड के कारण होता है, ये डिसीज कौन करता है? तो आपके पास ऑप्शन है एंगुइना ट्रिटीसी, एंगुइना एग्रोटिस और एफिलेनकोइडस स्पीशीज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है एंगुइना ट्रिटीसी। इसके बारे में आप एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड जो खोजा गया था 1743 में, ये कौन सा था? एंगुइना ट्रिटीसी था, और किसने खोजा था? नीडम ने। ठीक है, ये पहली इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो कि बहुत एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। उसके बाद ये कौन सी डिसीज़ करता है? वीट सीड गोल डिसीज़, सीड गोल, या फिर इसको अपने बोलते हैं ईयर कोकल, ईयर कोकल।
क्योंकि ये जो इसके सीड होते हैं कोकल में कन्वर्ट होते हैं, कोकल मतलब काले काले दाने। पर कई बार क्या होता है, जब ये निमेटोड एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लैवी बैक्टर ट्रीटी सी, अगर क्लैवी बैक्टर ट्रीटी सी इस निमेटोड का साथ देता है, मतलब एंगुइना ट्रीटी सी निमेटोड प्लस क्लैवी बैक्टर ट्रीटी सी बैक्टीरिया, ये दोनों अगर मिल जाए ना, तो ये एक और डिसीज करते हैं जिसको बोलते हैं टुंडू। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, पेपर में दोनों ऑप्शन में होंगे। अगर आपसे पूछ रहा है ईयर कोकल डिसीज या वीट सीड गोल डिसीज, ये दो नाम एक हैं, ईयर कोकल और वीट सीड गोल, ये तो करता है अकेला निमेटोड एंगुइना ट्रीटी सी। अगर आपसे पूछेगा टुंडू डिसीज, टुंडू डिसीज को बोलते हैं येलो स्लाइम। मतलब येलो स्लाइम क्यों बोलते हैं, जब कोई बैक्टीरिया किसी पौधे के ऊपर इन्फेस्टेशन करता है तो उसके अंदर से ऊज निकलता है, लिक्विड निकलता है, तो उसको स्लाइम बोलते हैं। तो टुंडू का इंग्लिश नेम क्या है, येलो स्लाइम, लेकिन टुंडू नाम ज़्यादा फेमस है। तो टुंडू डिसीज कौन करता है, एंगुइना ट्रीटीसी प्लस बैक्टीरिया क्लैवी बैक्टर ट्रीटीसी। तो दोनों बहुत सेपरेट हैं और दोनों को सेपरेटली याद रखना। एंगुइना ट्रीटीसी वर्ल्ड में सबसे पहले 1743 में नीडम ने डिस्कवर किया था। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्किंग इन एग्जाम, मोल्यार डिसीज कोस बाय विच निमेटोड। तो मोल्यार डिसीज जो है वो करता है आपका हिटेरोडिरा अवेनी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसीज, सबसे ज़्यादा राजस्थान और हरियाणा में पाई जाती है, और सबसे पहले डिस्कवर्ड भी राजस्थान से की गई थी, वसुदेवा ने, ये वसुदेवा ने डिस्कवर की थी इंडिया से। तो सीरियल सिस्ट निमेटोड, हिटेरोडिरा अवेनी का कॉमन नाम क्या है, सीरियल सिस्ट निमेटोड, ठीक है। तो ये कौन सी डिसीज करता है, मोल्यार डिसीज। तो मोल्यार डिसीज के बारे में क्या याद रखेंगे, सबसे पहले कौन सा निमेटोड करता है, रिटेरोडिरा अवेनी। तो ये वीट और बार्ली में होती है, तो इससे रिलेटेड पेपर में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। तो बार्ली की एक वैरायटी है राजकिरण, तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है जो राजकिरण वैरायटी बार्ली की है वो किसके अगेंस्ट काम करती है, तो वो मोल्यार डिसीज ऑफ वीट के अगेंस्ट काम करती है, या फिर आप कह सकते हैं हिटेरोडिरा अवेनी के खिलाफ काम करती है। इसी तरह एक वीट की भी वैरायटी है राज MR1। तो ये दोनों वैरायटियां पेपर में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। तो ये निमेटोड क्या करता है, रूट्स के अंदर स्वेलिंग करता है, बुशी अपेयरेंस करता है, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो आपको याद रखना है मोल्यार डिसीज जो वीट कौन करता है, हिटेरोडिरा अवेनी करता है, वीट एंड बार्ली में होती है, और इसके अंदर दो वेराइटी हैं जिसका नाम क्या है, राज MR1 किसकी है, बार्ली की है, और अनो सॉरी राज MR1 वीट की है और राज किरण बार्ली की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जियांट सेल एज ए फीडिंग स्ट्रक्चर इज मेड बाय विच निमेटोड। तो देखो निमेटोड वैसे तो पौधों की जड़ों में खाते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट खाते हैं, लेकिन चार निमेटोड स्पीशीज हैं जो स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है, उसके नाम दिए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेपर में रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। एक होता है जियांट सेल, जो कौन बनाता है, तो मैंने आपको चार ऑप्शन दिए हैं, मेलिडोगाइनी, हिटेरोडिरा, टाइलेंकुलस सेमी पेनिट्रेंस, रोटिलेंकुलस रेनिफॉर्मिस। तो जो जियांट सेल होता है वो अपना बनाता है मेलिडोगाइनी, जो कि वर्ल्ड और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग निमेटोड है। ओके, तो अदर्स क्या बनाते हैं, देखो मेलिडोगाइनी क्या बना रहा है, जियांट सेल। हिटेरोडिरा क्या बनाता है, सिंशियम। टाइलेंकुलस सेमी पेनिट्रेंस, जिसका कॉमन नेम क्या है, सिट्रस निमेटोड, मतलब ये नींबू के पौधे या संतरे के पौधों को अटैक करता है। और चौथा है रोटिलेंकुलस रेनिफॉर्मिस, जिसको रेनिफॉर्म निमेटोड बोलते हैं, ठीक है। तो रोटिलेंकुलस रेनिफॉर्मिस जो बनाता है वो है प्रोसिंकेट, सिट्रस निमेटोड, टाइलेंकुलस सेमी पेनिट्रेंस, क्या बनाता है, नर्स सेल। तो ये सिर्फ चार ही स्पेशल स्ट्रक्चर हैं, बाकी सब निमेटोड्स की कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए आपको चार याद रखनी है। सिंशियम ना हिटेरोडिरा के अलावा ग्लोबोडिरा भी बनाता है, ठीक है। तो जितने भी सिस्ट निमेटोड हैं, सिस्ट निमेटोड के अंदर बहुत सारे निमेटोड आते हैं, हिटेरोडिरा, ग्लोबोडिरा, सेरिसोडिरा, मेलाइडोडिरा, पंक्टोडिरा, कैक्टोडिरा। तो ये जितने भी डेरा जीनस हैं ये सारे सिंकाइटियम बनाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर मल्टी न्यूक्लियट होती हैं, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एक्सेप्ट वन, नर्स सेल। जो नर्स सेल होती है वो सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। तो आपको चारों याद रखना है, जियांट सेल मेलिडोगाइनी बनाती है, सिस्ट निमेटोड जिसके अंदर हिटेरोडिरा और ग्लोबोडिरा जो दो मेजर जीनस इंडिया में प्रेजेंट हैं ये सिंकाइटियम बनाते हैं, सिट्रस निमेटोड टाइलेंकुलस सेमी पेनिट्रांस है जो कि नर्स सेल बनाता है, और रेनिफॉर्म निमेटोड क्या है, रोटिलेंकुलस रेनिफॉर्मिस जो प्रोसिंकेट बनाता है। तो ये चारों के चारों स्ट्रक्चर में सिर्फ एक नर्स सेल है जो कि यूनि न्यूक्लिएट है, बाकी सारे मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेंस्ट विच निमेटोड डोमेस्टिक क्वारंटाइन हैज़ बीन इम्पोज इन इंडिया। मतलब डोमेस्टिक क्वारंटाइन किस निमेटोड के खिलाफ इंडिया में लगाया हुआ है। आपके पास ऑप्शन है पोटैटो सिस्ट निमेटोड, सीरियल सिस्ट निमेटोड, होप सिस्ट निमेटोड, मेज सिस्ट निमेटोड।
तो इसका आंसर है पोटैटोसिस निमेटोड, एकमात्र निमेटोड जिसके खिलाफ इंडिया में डोमेस्टिक क्वारंटाइन चल रहा है। आइए जानते हैं। तो आपको इस पौधे की जड़ों के ऊपर जो दिख रहा है वो सिस्ट है, छोटी छोटी ये फीमेल होती हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर सबसे पहले 1961 के अंदर जोन्स नामक एक साइंटिस्ट ने नीलगिरी हिल्स हैं तमिलनाडु के अंदर, ओके, वहाँ पे सबसे पहले पोटैटोसिस निमेटोड को रिपोर्ट किया, ठीक है। तो 10 साल के बाद 1971 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक क्वारंटाइन लगाया इस निमेटोड के खिलाफ। और डोमेस्टिक क्वारंटाइन का मतलब है कि कोई भी तमिलनाडु से, नीलगिरी हिल से पोटैटो के सीड्स या सीड ट्यूबर किसी और स्टेट में नहीं ले जा सकता। इसके बावजूद भी ये क्वारंटाइन लगा रहा, लेकिन फिर से ये निमेटोड और स्टेट में फैल गया। तो 2018 के अंदर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीन स्टेट ने फिर से पार्शियल डोमेस्टिक क्वारंटाइन लगाया पोटैटोसिस निमेटोड के लिए। तो आपको याद रखना है इंडिया के अंदर किस निमेटोड के लिए क्वारंटाइन एक्ट लगा हुआ है, वो है पोटैटोसिस निमेटोड। 1971 के अंदर तमिलनाडु में नीलगिरी में लगा था, और 2018 में फिर से, 2018 बहुत ही रिसेंट है ये, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर में इस निमेटोड के खिलाफ वापस डोमेस्टिक क्वारंटाइन एक्ट लगाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीट रूट नॉट निमेटोड, विच रूट नॉट निमेटोड इज एमर्जिंग प्रॉब्लम इन राइस नाउअडेज, मतलब आजकल कौन सा जड़ गांठ सूत्र कृमि सबसे बड़ी समस्या है राइस के अंदर। तो आपके पास चार ऑप्शन है, मेलेडोगाइनी ग्रैमनिकोला, मेलेडोगाइनी इनकोगिनेटा, मेलेडोगाइनी अरेनेरिया, मेलेडोगाइनी हैप्ला। तो आंसर है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ग्रामनी फैमिली में मेलेडोगाइनी ग्रैमनिकोला। तो मेलेडोगाइनी ग्रैमनिकोला आजकल सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है राइस के अंदर। और सबसे यूनिक कैरेक्टर इसका क्या होता है, देखो सारे रूट नॉट निमेटोड एक सिम्टम बनाते हैं, इसको बोलते हैं गाल, लेकिन इसके जो गाल होते हैं उसको एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, उसको बोलते हैं हॉर्स शू शेप गाल, ठीक है, घोड़े के जूतों की तरह दिखने वाले हॉर्स शू शेप गाल, अगर आपको उस फोटो में दिख रहा होगा। और ये टर्मिनल गाल होते हैं, तो आपको दोनों वर्ड याद रखने, ठीक है। बाकी सारे रूट नॉट निमेटोड क्या करते हैं, रूट के अंदर या रूट के बीचों बीच या साइड में गाल बनाते हैं, लेकिन ये टर्मिनल गाल होता है, कौन सा, जो कि मेलेडोगाइनी ग्रैमनिकोला राइस के अंदर बनाता है। तो आपको याद रखना है, जो मेलेडोगाइनी ग्रैमनिकोला है आज के टाइम सबसे उभरती हुई समस्या है, चावल में पूरे कंट्री में फैल चुका है। ओके फ्रेंड्स, विद दिस आई वुड लाइक टू हैव ए ग्रेट थैंक्स, एंजॉय द क्विज, रीड ऑल द इंफॉर्मेशन, आपको बहुत मदद मिलेगी इससे, और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं और बहुत सारा कंटेंट इसमें कवर किया हुआ है। तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसके स्लाइड के कंटेंट को समझें। थैंक यू, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।